गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास, क्योंकि प्रोफेसर सतीश चंद्रा जी के द्वारा लिखी पुस्तक है और यहां पर आज इसी क्रम में आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है। तो आज हम ये चैप्टर नोट डाउन करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और इसकी समरी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या नोट डाउन करना है हमें यहाँ पर। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा मैं कि आप लोगों ने जिनने अभी तक रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है, रूरल एकेडमी को वो जाके सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर। यहाँ पर हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज हमारी आ रही है यहाँ पर डेली, ठीक है, वो आपको डेली मिल जाएगी। आज देखिए चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपका जो है वो है विजयनगर और बहमनी काल तथा पुर्तगालियों का आगमन, यानी विजयनगर और बहमनी जो साम्राज्य हैं दक्षिण भारत के समृद्ध साम्राज्य रहे थे ये, इनके बारे में जानेंगे हम लोग। और जो पुर्तगालियों का आगमन हुआ है लगभग 1350 से लेकर 1465 ईस्वी तक का समय है यहाँ पर, तो इस दरमियान जो पुर्तगालियों का आगमन हुआ है, पुर्तगालियों का भी इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए, पुर्तगालियों का जो इतिहास है वो थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन है, विश्व इतिहास वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर भी इस किताब में बहुत अच्छे से दे रखा है वो पोर्शन। और आप आई होप अगर आप लोग भी प्रॉपर वे में वो पोर्शन पढ़ लेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो कंप्लीट यहीं पर हो जाएगा, यानी पुर्तगालियों का जो इतिहास है वर्ल्ड हिस्ट्री वाला वो भी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पहली हेडिंग आपकी यही है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और बहमनी साम्राज्य के साथ टकराव, यानी आपकी पहली हेडिंग यही आती है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और जो है इसका बहमनी साम्राज्य के साथ टकराव क्यों हुआ, ये आपकी पहली हेडिंग है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी वो हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे हरिहर और बुक्का नाम के, तो इन्होंने की थी, जो कि पांच भाइयों के परिवार के अंग थे, यानी इनके टोटल पांच भाई थे, पांच भाइयों में से दो भाई ये थे हरिहर और बुक्का, तो इन्होंने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। पहला पॉइंट आपका यही है, ठीक है, पहला पॉइंट नोट कर लेना कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की, जो पांच भाइयों के परिवार के अंग थे, ठीक है। अब देखिए, एक कथा ये कहती है कि ये लोग जो थे ये वारंगल के काकतीयों के सामंत रहे हैं और फिर बाद में जो आधुनिक कर्नाटक में कंपली राज्य था उसमें मंत्री रहे। जैसा कि आपको कल पता होगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, एक कंपली राज्य का जो अधिग्रहण था, दक्षिण भारत का अंतिम राज्य था 1327 में, जिसका मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिग्रहण किया था। दक्षिण भारत के राज्यों में मोहम्मद बिन तुगलक ने अंतिम राज्य यही बचा था कंपली वाला, जिसका 1327 में अधिग्रहण किया गया, ठीक है, तो ये वही कंपली राज्य है। तो ये कंपली राज्य में मंत्री रहे थे, यानी कि जब मोहम्मद तुगलक का आक्रमण हुआ है कंपली पर, तो उस टाइम पे इन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने इस्लाम को अपना लिया, ठीक है, यानी विद्रोहों से निपटने के लिए इस्लाम को अपना लिया। और दूसरी जगह मदुरै में एक मुस्लिम सूबेदार किया, ये लोग जो है वहां पे रहने लगे, लेकिन बाद में ये अपने गुरु विद्यारण्य के निर्देश पर फिर से इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है और फिर से अपने साम्राज्य, अपनी जो विजयनगर साम्राज्य की प्रॉपर वे में स्थापना की है, ये इनके पीछे का इतिहास है, ठीक है। तो पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा, पहले का सब पॉइंट नोट करेंगे। पहला सब पॉइंट, एक कथा के अनुसार वे पहले तो वारंगल के काकतीयों के सामंत रहे और फिर आधुनिक कर्नाटक में स्थित कंपली राज्य में मंत्री रहे। सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे आप, देखिए, अपने गुरु विद्यारण्य के निर्देश पर वे फिर से हिंदू धर्म में शामिल किए गए और उन्होंने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया, यानी यहीं से स्टार्टिंग होती है विजयनगर की, ठीक है, नहीं, अपने गुरु विद्यारण्य के निर्देश पर वे पुनः हिंदू धर्म में शामिल किए गए और उन्होंने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। अब देखिए, जो हरिहर है, हरिहर का जो रायतिलक हुआ है, यानी गद्दी पे आसीन जो हुआ है, ये 1336 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट नोट कर लेना, हरिहर के रायतिलक को 1336 ईस्वी की घटना बताया जाता है, ठीक है। देखिए, इनका 1336 के बाद जो हरिहर का राज्य चला है, तो हरिहर के राज्य के बाद इन्होंने क्या है, होयसल राज्य का भी विघटन का लाभ उठाया है और इन्होंने वहां तक अपना राज्य फैला लिया, यानी होयसलों का जो राज्य था वहां तक इन्होंने अपना राज्य फैला लिया और लगभग 1346 तक पूरा होयसला राज्य जो था वो विजयनगर के शासकों के हाथ में आ चुका था। तो थर्ड का सब पॉइंट नोट कर लेना आप, 1346 ईस्वी तक पूरा होयसला राज्य विजयनगर के शासकों के हाथों में आ चुका था, ठीक है। अब देखिए, 1356 ईस्वी में जो है बुक्का, यानी बुक्का अपने भाई की मौत के बाद जो हरिहर है, यानी हरिहर की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1336 ईस्वी में जो पहले गद्दी पे बैठता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बुक्का जो है वो 1356 में जो है गद्दी संभालता है, ठीक है। 1356 में बुक्का अपने भाई की मौत के बाद विजयनगर की गद्दी पर बैठा और 1377 तक शासन करता रहा, यानी बुक्का ने फिर 1377 तक शासन किया है। तो चौथा पॉइंट नोट कर लेना आप, 1356 ईस्वी में बुक्का अपने भाई की मौत के बाद गद्दी पर बैठा और 1377 ईस्वी तक शासन करता रहा, यह आपका चौथा पॉइंट है, ठीक है।
अब देखिए उस समय जो विजयनगर साम्राज्य था, तो विजयनगर साम्राज्य के प्रतिद्वंदी भी थे, तो उस समय इनके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे मदुरै के सुल्तान, यानी मदुरै के सुल्तान उस समय इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। और इनका जो मदुरै के सुल्तानों से संघर्ष है वो लगभग 4 दशकों तक चलता रहा है, ठीक है। और 1377 में मदुरै की सल्तनत का सफाया हो गया, इसी के साथ जो है इनकी जो दुश्मनी समाप्त हो जाती है और इनका राज्य उस समय तक रामेश्वरम तक जो है पहुंच जाता है, तमिलनाडु के रामेश्वरम तक इनका राज्य जो है फिर पहुंच जाता है। फिर तो आप अगला पॉइंट नोट करेंगे, 5वां पॉइंट, दक्षिण में मदुरै के सुल्तान उसके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, ठीक है। लेकिन 1377 तक मदुरै की सल्तनत का सफाया हो चुका था, लेकिन 1377 तक मदुरै की पूरी सल्तनत का सफाया हो चुका था। ये आपका 5वां पॉइंट है। अब देखिए 6वां पॉइंट नोट करेंगे, इस समय रामेश्वरम तक पूरा दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य में शामिल था, इसमें तमिल प्रदेश तथा चेरों के प्रदेश यानी केरल भी शामिल थे। ये आपका 6वां पॉइंट है, यानी कि इन्होंने जैसे जो मदुरै की सल्तनत है उसका सफाया किया, उसके बाद इनका जो राज्य है वो रामेश्वरम तक पहुंच गया है। तो रामेश्वरम तक जब इनका राज्य पहुंचा है तो इनमें इन्होंने जो केरल का चेर राज्य है वो भी इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। तो 6वां पॉइंट यही है कि रामेश्वरम तक पूरा दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य में शामिल था, इसमें तमिल प्रदेशों तथा चेरों के प्रदेश भी शामिल थे। लेकिन अब इनका उत्तर में जो सामना है विजयनगर का, सबसे जटिल सामना इनका उत्तर में ही होता है, जटिल सामना जो इनका उत्तर में होता है वो बहमनी साम्राज्य के रूप में होता है, जो कि इनका सबसे शक्तिशाली शत्रु था, ठीक है। तो 7वां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, 7वां पॉइंट, लेकिन उत्तर में विजयनगर का सामना बहमनी साम्राज्य के रूप में एक शक्तिशाली शत्रु से हुआ। 7वां पॉइंट यही है, लेकिन उत्तर में विजयनगर साम्राज्य का सामना बहमनी साम्राज्य के रूप में शक्तिशाली शत्रु से हुआ। 7वें का पहला सब पॉइंट देखिए, बहमनी साम्राज्य जो है ये 1347 में जो है अस्तित्व में आया है, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की नींव रखी गई है, ठीक है। और इसका संस्थापक जो था वो एक अफगान था, एक अफगान दुस्साहसी अलाउद्दीन हसन था, अफगान का एक क्रूर आक्रांता बोल सकते हैं, इसका नाम था अलाउद्दीन हसन, तो ये उसका संस्थापक था बहमनी का, ठीक है। अब देखिए जो अलाउद्दीन था ये गंगू नाम के ब्राह्मण की सेवा में रहकर ये वहां तक पहुंचा था, इस राज्य की स्थापना कर पाया था, गंगू नाम का ब्राह्मण था, उसकी सहायता से उसने ये राज्य की स्थापना की थी, इसलिए इसे जो है यानी अलाउद्दीन हसन को हसन गंगू की उपाधि भी दी गई है। पूछा भी गया है काफी बार कि हसन गंगू के नाम से किस शासक को जाना जाता है, अलाउद्दीन हसन को यानी बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन को हसन गंगू भी कहा जाता है, ठीक है। तो 7वें का पहला सब पॉइंट पहले नोट करेंगे, बहमनी साम्राज्य 1347 में अस्तित्व में आया, ठीक है, और एक अफगान दुस्साहसी अलाउद्दीन हसन उसका संस्थापक था, सातवें का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, देखिए यहां लिखेंगे हम, वह गंगू नाम के एक ब्राह्मण की सेवा में रहकर ऊपर उठा था और इसलिए हसन गंगू भी कहलाता था, यह आपका 7वें का सेकंड सब पॉइंट है। देखिए जो है सत्ता संभालने के बाद जो है जो हसन गंगू है अलाउद्दीन हसन है इसने सत्ता संभालने के बाद जो है वो यहां पर बहमन शाह की उपाधि धारण की है, अलाउद्दीन बहमन शाह की, ठीक है। तो ये 7वें का थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे, सत्ता संभालने के बाद उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की, ठीक है, उपाधि ग्रहण की, यानी बहमन शाह के नाम से ये बहमनी साम्राज्य कहलाया जाने लगा। 7वें का थर्ड सब पॉइंट यही है, सत्ता संभालने के बाद उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की, ठीक है, या ग्रहण की, यह आपका 7वें का थर्ड सब पॉइंट था। अब देखिए विजयनगर के जो राजा थे और बहमनी के जो राजा थे इनका जो टकराव के कारण थे वो टकराव के तीन अलग अलग कारण थे, तीन अलग अलग क्षेत्रों को लेकर इनके में टकराव होता रहता था। इनमें पहला क्षेत्र तो था इनमें तुंगभद्रा और दोआब का, दूसरा था कृष्णा गोदावरी वाले कछार वाला क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र था मराठवाड़ा प्रदेश वाला, ठीक है, यानी कि इनका तीन क्षेत्रों को लेकर इनका अक्सर टकराव होता रहा है। ये आप नोट करेंगे अब आप यहां पर, अब आप 8वां पॉइंट, विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित तीन अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे, विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित तीन अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे।
आठवें का पहला सब पॉइंट है तुंगभद्रा के दोआब में, आठवें का सेकंड सब पॉइंट है कृष्णा गोदावरी के कछार में, आठवें का थर्ड सब पॉइंट है मराठवाड़ा प्रदेश में। यानी तीन ये अलग अलग क्षेत्र थे जिनमें इनके जो है हित टकराते थे, ठीक है। यानी कि ये लोग ये चाहते थे, जैसे कृष्णा गोदावरी वाला क्षेत्र था ये बहुत उपजाऊ था, इसके अलावा इसमें अनेक बंदरगाह भी थे, तो इस क्षेत्र से विदेशी व्यापार भी नियंत्रित किया जा सकता था, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो तुंगभद्रा का जो यानी कि जो मराठा वाला क्षेत्र था, मराठा वाला प्रदेश प्रमुख इसका विवाद जो था वो कोंकड़ और उसकी यानी उसके क्षेत्रीय नियंत्रण से संबंधित था। कोंकड़ पश्चिमी घाट का और समुद्र के बीच एक संकरी पट्टी थी, तो उससे जो है एक इनका जो विदेशी व्यापार है वो वहां पे फल फूल रहा था अच्छी तरह से, यानी तमाम विदेशी आते थे उसी के जरिए कोंकड़ के ऊपर आके रुकते थे। इस वजह से इनके जो विवाद के क्षेत्र रहे, इनके तीन ये मूल विवाद के क्षेत्र रहे, विजयनगर भैमी शासकों के मध्य, तुंगभद्रा का दोआब, कृष्णा गोदावरी के कछार और मराठवाड़ा प्रदेश में, ठीक है। तो आठ में के तीनों सब पॉइंट आपने नोट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसी में सब पॉइंट लिखेंगे। अब आप आठ में का ही सब पॉइंट है कि 1367 में बुक्का प्रथम ने विवादित तुंगभद्रा दोआब में मुदगल के किले पर हमला किया, ठीक है। यानी कि इसने क्या किया कि 1367 में जो बुक्का है, बुक्का ने तुंगभद्रा का जो विवादित क्षेत्र है उस पर हमला किया है, और उस पर हमला किया उसके बाद वहां पर एक आदमी को छोड़कर उसने पूरी छावनी को मौत के घाट में उतार दिया है। यानी उसने इतना कत्लेआम मचाया कि वहां पर एक आदमी को छोड़ा है और पूरा साम्राज्य जो है पूरा वो वहां पर कत्लेआम कर डाला है। यह आपका आठवें का सब पॉइंट है। अब देखिए यहां पर जब ये खबर बहमनी सुल्तानों को लगी है तो बहमनी सुल्तान भी चल पड़े हैं अपनी ओर, और बहमनी सुल्तान जब चले हैं तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ अपनाया, यानी उन्होंने लगभग 100,000 हिंदुओं को फिर मार डाला इसके बाद, ठीक है। यहां पर देखिए युद्ध में एक बात देखने वाली बात है कि इसके बाद इन दोनों का प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जब हुआ है तो उसमें प्रतिरोध में पहली बार तोपों का इस्तेमाल होता है वहां पर, पहली बार तोपों के इस्तेमाल का जिक्र हमें वहां पर मिलता है, ठीक है। यानी जो बहमनी और ये आपका जो विजयनगर साम्राज्य के जो राजा हैं दोनों के बाद पहली बार तोपों का जो है संघर्ष देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप नोट करेंगे यहां आठवें का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे आप, इस जंग के दौरान हमें दोनों पक्षों द्वारा पहली बार तोपों के इस्तेमाल की बात सुनाई पड़ती है, ठीक है। यानी इस जंग के यानी इस जंग के दौरान हमें दोनों पक्षों द्वारा पहली बार तोपों की बात इस्तेमाल की बात सुनाई पड़ती है, ठीक है। अब देखिए संघर्ष इनका बहुत लंबा चला, इसमें तमाम बच्चे मरे, यानी ऐसा नहीं था कि दोनों तरफ नुकसान हुआ, बहमनी साम्राज्य का भी नुकसान हुआ, विजयनगर के भी बहुत सारे लोग नागरिक मरे। इसके बाद इन दोनों में संधि हो जाती है, यानी इन दोनों में संधि हो जाती है कि अब हमारे बीच में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस तरह का निर्मम जो है कत्लेआम नहीं करेंगे, इस टाइप की संधि हो जाती है कि ताकि जो बच्चे हैं निर्दोष बच्चे हैं पुरुष स्त्रियां ये मारे ना जाएं, यानी ये संधि इसके बाद हो जाती है इस युद्ध के बाद, ठीक है। और वो संधि फिर निभाते भी हैं ये लोग काफी दिनों तक, लेकिन एंड में आके वो संधि जो है फिर वो टूट जाती है एक टाइम में आके, ठीक है। तो आप अगला पॉइंट अब आप नोट करेंगे, देखिए ये नमा पॉइंट बना लेना, ये वाला यानी आठवें का सब पॉइंट करके लिखवाया है, इसे नमा पॉइंट बना लेना और इसे नमे का सब पॉइंट, इस वाले पॉइंट को नमे का सब पॉइंट कर देना आप, ठीक है। आठवें में मत रखना, इसे नमा पॉइंट लिख देना, बताना भूल गया था, नमा पॉइंट लिख देना, ठीक है। और ये आठवें का नमे का सब पॉइंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर ये मदुरै की सल्तनत जो है इनकी दक्षिण भारत में, इसको समाप्त करने के बाद इन्होंने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को जो है मजबूत बनाया है, और विजयनगर साम्राज्य जो है हरिहर द्वितीय के काल में 1377 से लेकर 1404 में अपने पूर्वी तट के प्रसार की नीति को भी इन्होंने आरंभ कर दिया। यानी कि अभी तक तो क्या था कि जो आपका बुक्का का समय था, यानी कि 1300 जब उस हरिहर की मृत्यु हो जाती है या उसके बाद बुक्का बैठता है, बुक्का 1377 में बुक्का भी एंड हो जाता है, बुक्का के बाद हरिहर द्वितीय का काल स्टार्ट हो जाता है, तो हरिहर द्वितीय ने इस काल में अपनी पूर्व की तट की ओर जो विजय की नीति है वो आरंभ की है, ठीक है। तो अब आप यहां दसवां पॉइंट नोट करेंगे, आप मदुरै की सल्तनत को समाप्त करके दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के बाद विजयनगर साम्राज्य ने हरिहर द्वितीय के काल में 1377 से 1404 में पूर्वी तट की ओर प्रसार की नीति का आरंभ किया। यह आपका दसवां पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर उस समय जब इन्होंने प्रसार किया तो यहां पर इसके ऊपरी भाग में दो फेमस लोग रह रहे थे, यानी दक्षिण भारत में जब मदुरै की सल्तनत तक इन्होंने अपना प्रसार कर लिया है बाद में, तो वहां पर दो रजवाड़े थे छोटे, इनमें सबसे उल्लेखनीय रजवाड़ा था कृष्णा गोदावरी कछार के ऊपरी भाग में रेडी था, और निचले भाग में बारंगल के शासक थे, ठीक है। तो दसवें का सब पॉइंट नोट करेंगे आप, इस क्षेत्र में अनेक रजवाड़े थे
जिनमें सबसे उल्लेखनीय कृष्णा गोदावरी कछार के ऊपरी भाग में रेड्डी तथा निचले भाग में बारंगल के शासक थे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हरियाद्वति का काल पढ़ लिया आपने। अब हरियाद्वति के बाद भी एक यहां पर एक कंडीशन क्रिएट होती है, हरियाद्वति की मृत्यु हो जाती है 1404 में। उसके बाद यहां पे देवराय प्रथम है, ये जो है सिंहासन पर रूढ़ होता है, सत्ता पर आके बैठता है। ठीक है, तो 11वां पॉइंट नोट करेंगे, अनिश्चितता के एक काल के बाद देवराय प्रथम 1404 से 1422 हरियाद्वति की मृत्यु के बाद सिंहासनारूढ़ हुआ, सिंहासन पर बैठा। ठीक है, अब देखिए पहले जो इनकी संधि हो गई थी, यानी कि बुक्का के काल में संधि हो गई थी इनकी जो भैमनी साम्राज्य वालों से, कि भाई अब हमारा कोई युद्ध नहीं होगा तुंगभद्रा के क्षेत्र को लेकर, हम किसी भी जो निर्दोष आदमी की कत्लेआम नहीं बचाएंगे। लेकिन इसके काल में जैसे ही इसने क्या किया, इसने फिर से वो तुंगभद्रा वाला राग फिर से छेड़ देता है। जैसे तुंगभद्रा वाला राग फिर से छेड़ देता है तो फिर से युद्ध स्टार्ट हो जाता है, भैमनी सुल्तान से इसका फिर से युद्ध स्टार्ट हो जाता है। किस वजह से, तुंगभद्रा का राग ये फिर से युद्ध शुरू छेड़ देता है, इसी वजह से वहां पर इसका युद्ध शुरू हो जाता है। और भैमनी सुल्तान है वो फिरोज शाह के हाथों हारा भी जाता है, जिसमें उसे 10 लाख हूड मुद्राएं हैं और मोती मड़े और अपने हाथी देने पड़े। ठीक है, यानी कि जो ये सुल्तान है, यानी कि ये जो आपका देवराय प्रथम है, ये भैमनी सुल्तान के हाथों फिरोज शाह के, भैमनी सुल्तान फिरोज शाह के हाथों हार भी जाता है। उसके बाद इसे क्या क्या देना पड़ता है, 10 लाख हूड मोती मड़े को हाथी देने पड़े हैं। तो 11वां पॉइंट तो नोट कर लिया आपने, अब 11वें का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे। उसके शासन के आरंभ काल में तुंगभद्रा दोआब को लेकर फिर युद्ध हुआ, उसके शासन के आरंभ में तुंगभद्रा को लेकर फिर युद्ध हुआ। ठीक है, 11वें का सेकंड सब पॉइंट, वह बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के हाथों हारा और उसे जुर्माने के रूप में 10 लाख हूड मोती मड़िक और हाथी देने पड़े। ठीक है, यानी इसके जुर्माने के बाद उसे क्या क्या करना पड़ा, उसे बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के हाथ में हारने के बाद उसे यह है कि 10 लाख हूड मोती मड़िक और हाथी पर देने पड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा इसने और जो है कोई ज्यादा विवाद आगे न बढ़े, इसके लिए इसने एक घोषणा और कर दी। इसके लिए इसने अपनी जो बेटी थी उसका विवाह भी, जो बहमनी शासक है, बहमनी साम्राज्य का सुल्तान है फिरोज शाह, उसने उससे ब्याह करने और ब्याह के साथ दहेज में दोआब में स्थित बांकापुर देने का भी इसने वादा करना पड़ा ऐसे। ठीक है, तो 11वें का थर्ड सब पॉइंट नोट कर लेना, सभी भावी विवादों से बचने के लिए उसे सुल्तान से अपनी बेटी ब्याहने तथा दहेज में दोआब में स्थित बांकापुर देने का वादा भी करना पड़ा। ठीक है, ये 11वें का थर्ड सब पॉइंट है। अब देखिए इनका जो विवाद है, जो कहा जाता है कि जो विवाह है, विवाह राजनीतिक फायदे के लिए किया गया था, लेकिन विवाह भी ज्यादा दिनों तक सक्सेस नहीं हुआ, राजनीतिक एक राजनीतिक फायदे के लिए किया गया था। अंत में आके इनका फिर से युद्ध स्टार्ट हो जाता है, अंत में आके फिर से लड़ते हैं। तो अंत में जब फिर से लड़ते हैं तो देवराय जो है फिरोज शाह बहमनी को करारी मात दे देता है, और इसके बाद ये कृष्णा नदी के मुहाने तक रेड्डी क्षेत्र को हथियाने में भी फिर सफल रहता है। यानी कृष्णा नदी के मुहाने तक इस बार जो लड़ाई में ये क्या करता है कि कृष्णा नदी के मुहाने तक का जो रेड्डी क्षेत्र है उसे भी फिर हत्या लेता है। तो 12वां पॉइंट नोट कर लेना आप, देवराय फिरोज शाह बहमनी को करारी मात देने और कृष्णा नदी के मुहाने तक पूरे रेड्डी क्षेत्र को हथियाने में सफल रहा। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर, अब देखिए जो देवराय प्रथम है आपका, ये जो है देवराय प्रथम, इसने तमाम जो है अन्य अच्छे काम भी किए हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि इसने सारे काम बेकार किए, तमाम अच्छे काम भी किए। जैसे इसने जो है शांतकालीन कलाओं की उपेक्षा नहीं की, इसने तुंगभद्रा पर एक बांध भी बनवाया है ताकि जो है लोग हैं दूर दराज के लोग हैं उनके यहाँ पानी पहुंच सके, नहरों में पानी पहुंच सके, और जो कृषि की सिंचाई भी अच्छी रूप से हो सके। ठीक है, अब देखिए फिर से यहां पर एक देवराय का साल जो है शासन जो है खत्म होता है। देवराय के बाद देवराय द्वितीय का शासन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब 13वां पॉइंट नोट करेंगे आप, विजयनगर की गद्दी पर देवराय द्वितीय 1425 से 1466, देखिए 1466 नहीं है एक्चुअली, ये 1446 है, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, 1446 है डेट। ठीक है, विजयनगर की गद्दी पर देवराय द्वितीय 1425 से 1446 बैठा, जिसे इस वंश का सबसे महान शासक समझा जाता है। यानी जो ये है विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय, इसे विजयनगर का सबसे महान शासक समझा जाता है 1425 से लेकर 1446 तक समय रहा है इसका। ठीक है, नोट कर लिया होगा 13वां पॉइंट। अब इसका सब पॉइंट नोट करेंगे आप, इसका सब पॉइंट,
देखिए इसने क्या किया, इसने अपनी नई सेना का पुनर्गठन किया, अपनी नई सेना को इसने जैसे नई सेना में क्या था, तो उस समय जो मुस्लिम थे यानी कि जो अरब साइड के मुस्लिम थे वो अच्छे खासे तीरंदाज थे, घोड़े चलाने में निपुण थे, इसने तमाम मुस्लिमों को प्रोत्साहन दिया, तमाम मुस्लिमों के जरिए अपनी स्थानीय सेना थी उसको ट्रेनिंग दिलवाई, उस स्थानीय सेना को मजबूत किया, यानी इस तरह से इसने अपने सेना का फिर से पुनर्गठन किया है देवराज द्वितीय ने। ठीक है, तो अब 13वें का सब पॉइंट नोट करेंगे आप, पहला सब पॉइंट है अपनी नई सेना के साथ देवराय द्वितीय ने 1443 में तुंगभद्रा को पार किया और मुदगल बांकापुर को फिर से पाने का प्रयास किया जो कृष्णा नदी के दक्षिण में थे। ये आपका 13वें का पहला सब पॉइंट है, 13वें का पहला सब पॉइंट यही है कि अपनी नई सेना के साथ देवराय द्वितीय ने 1443 में तुंगभद्रा को पार किया और मुदगल बांकापुर को फिर से पाने का प्रयास किया जो कृष्णा नदी के दक्षिण में थे। ठीक है, अब देखिए इस क्षेत्र को पाने के लिए इसे तीन कड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं, बहमनी सुल्तानों से इसके लिए तीन कड़ी लड़ाइयां लड़ी जो इस क्षेत्र को पाने के लिए, और तीन लड़ाइयों के बाद क्या होता है कि भाई डिसीजन निकलता है कि सहमत हो जाते हैं दोनों लोग। तीन कड़ी लड़ाइयां लड़ी गई पर आखिरकार दोनों पक्षों को मौजूदा सीमा पर सहमत होना पड़ा, आखिरकार यही मान लिया गया भाई चलो अपनी अपनी सेना सीमा पर ही हम बने रहते हैं। ये आपका 13वें का सेकंड सब पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए उस समय हमारे यहां तमाम जो है विदेशी लोग भी आए थे, विदेशी जो है लेखक भी आए थे, घूमने आए थे। ठीक है, तो उन्होंने भी अपने अपने इतिहास में लिखा है। जैसे एक जगह हमें जिक्र मिलता है, 16वीं सदी में एक पुर्तगाली लेखक आया था जिसका नाम था नूनीज, इसने कहना कि कहा है कि क्विलोन श्रीलंका पुलिकट तथा बर्मा और मलाया में टेंगू और तेन्ना सीराम सेरीम के राजा देवराज द्वितीय को किराए देते थे, यानी इसकी प्रतिभा जो है इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी, क्या इतनी दूर दूर तक विजयनगरी फैली हुई थी, एक क्विलोन श्रीलंका पुलिकट और पेगू और तेन्ना सीराम ठीक है सेरीम के राजा देवराज द्वितीय को किराए देते थे। 14वां पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, अब इसके अलावा और भी लोग आए हैं, जैसे एक व्यक्ति और आया है, इतालवी व्यक्ति और आया, इतालवी यात्री भी आया है उस समय, जिसका नाम था निकोलो कोंती। इसने 1420 में विजयनगर आया था और इसका इसने सजीव वृत्तांत दिया है, सजीव चित्रण किया है किस प्रकार का जो नगर बना हुआ है, किस प्रकार की नगरी व्यवस्था है। इसने कहा है कि नगर लगभग 60 मील में है, इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं, ऐसे करके मतलब इसने तमाम जैसे जब और शासक जैसे किया नहीं जैसे डिफाइन, जैसे मेगास्थनीज आया था मगध में, ठीक है, तो उसी तरह से इसमें इसने भी वही चीजें डिफाइन की हैं कि भाई कैसा शासन था, किस तरह की व्यवस्था थी, कैसे प्रशासन चलता था, वही सब चीजें डिफाइन की हैं। तो 15वां पॉइंट नोट कर लेना, इतावली यात्री निकोलो कोंती ने जो 1420 में विजयनगर आया था उसका एक सजीव वृत्तांत दिया है। इसके अलावा एक यात्री और आया था जिसका नाम था, फारस का यात्री था, अब्दुल रज्जाक। ये भी विजयनगर इसके जो वृत्तांत है इनसे भी हम विजयनगर के बारे में पता चलता है कि फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक जिसने भारत में और बहुत बाहर दूर दूर तक की यात्राएं की थी देवराज द्वितीय के काल में विजयनगर आया था। ये 16वां पॉइंट है कि फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक जिसने भारत में और बाहर दूर दूर तक यात्राएं की थी देवराय द्वितीय के काल में विजयनगर आया था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब जानते हैं बहमनी साम्राज्य का प्रसार और विघटन, यानी बहमनी साम्राज्य कैसे अपने चरम पे पहुंचा और कैसे इसका विघटन हो जाता है। आपने ये तो पढ़ी ली स्थापना इसकी जो है, लगभग इसकी जो स्थापना थी वो 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, और यानी कि अलाउद्दीन हसन या फिर हसन गंगू के नाम से जाना जाता है, उसने स्थापना की थी। तो अब यहां पे हम जानेंगे इसका जैसे प्रसार कैसे हुआ बहमनी साम्राज्य का और कहां पर आके ये विघटित हो गया है, ये भी हम जानेंगे। इसका चरम का काल और इसका बिल्कुल विघटनावस्था का काल, दोनों कालों को हम यहां पे जानेंगे। ठीक है, अब चलिए यहां पे लिखेंगे पहला पॉइंट है। देखिए बहमनी साम्राज्य का जो सबसे जो है बहमनी साम्राज्य का सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति रहा है वो रहा है फिरोज शाह बहमनी, 1397 से 1422 तक सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति। जैसे देवराय द्वितीय रहा है आपका विजयनगर साम्राज्य का सबसे जो है प्रभावशाली व्यक्ति, वैसे सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति रहा है बहमनी साम्राज्य का फिरोज शाह बहमनी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे यहां से है, बहमनी साम्राज्य का सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति फिरोज शाह बहमनी 1397 से 1422 था। देखिए फिरोज शाह बहमनी जो था ये धार्मिक ज्ञान अर्थात कुरान की टीकाओं, इस्लामी कुरान
कानून आदि से अच्छी तरह परिचित था। इसके अलावा ये वनस्पति शास्त्र, ज्यामिति, तर्कशास्त्र आदि विज्ञानों का विशेष शौक रखता था। ये आप पहले का पहला सब पॉइंट नोट कर लेना, क्यों है, धार्मिक ज्ञान से अर्थात कुरान की टीकाओं और इस्लामी कानून आदि से अच्छी तरह परिचित था और वनस्पति शास्त्र, ज्यामिति, तर्कशास्त्र आदि विज्ञानों का विशेष शौक रखता था। ठीक है, इसके अलावा ये एक अच्छा कातिब और शायर था, यानी अच्छा जो है कविताएं कहने वाला और एक शायरी कहने वाला एक व्यक्ति था। ठीक है, और ये आशु कविता, आशु का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब कैसे है मैं बता रहा हूं, आशु जो वर्ड है आशु का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड, सुना होगा वर्ड आपने, जैसे आईईडी डिवाइस होती है इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, आशु रचित एक्सप्लोसिव डिवाइस में बोली जाती है। तो इम्प्रोवाइज का मतलब ये होता है तत्काल, यानी जितने जितना आपके पास रिसोर्स है उससे आप तत्काल कोई चीज निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं आशु रचित। जैसे एक बार की घटना आपने पढ़ी होगी, जैसे अमीर खुसरो एक बार एक नगर से गुजर रहे थे तो एक कुएं के किनारे रुक गए, उससे अपना मतलब परिचय दिया कि भाई मैं ऐसे ऐसे प्रमुख कवि हूँ और मेरा नाम अमीर खुसरो है। उस समय अमीर खुसरो की प्रतिभा जो दूर दूर तक ख्याति विख्यात थी, तो उन्होंने वहां पे चार महिलाएं मौजूद थी, तो चारों महिलाओं ने अलग अलग फरमाइश की थी कि भाई हमें आप ये इस पर जो है कविता सुनाइए, इस पर हमें पंक्तियां सुनाइए, हमें इस पर सुनाइए, इस पर सुनाइए। तो जो है उसी टाइम पे जो आपके अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो ने एक पंक्ति जो है रचित की और पंक्ति रचित करके उन लोगों को सुनाई है और वहां पर उन लोगों ने उन्हें पानी पिला दिया है। ठीक है, वो पंक्ति कुछ इस तरह से थी, शायद मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन कुछ कुछ उसका मुझे वृतांत याद है। जैसे मतलब वो थी यहां पे थी पंक्ति आपकी थी, खीर पकाई जतन से और चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। यानी चार महिलाओं ने अलग अलग पंक्तियां की डिमांड की थी, चारों महिलाओं ने, एक ने खीर पर, एक ने कुत्ते पर, ठीक है, एक ने चरखे पर और एक ने ढोल पर। यानी चारों महिलाओं ने कहा था कि हमें चार अलग अलग चीजों पर हमें कविताएं सुनाइए, लेकिन इतने प्रतिभा के धनी थे अमीर खुसरो कि उन्होंने एक ही लाइन में सब जो चारों की जो थी यानी भावनाएं एक ही लाइन में प्रो दी थी, यानी खीर पकाई जतन से और चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। ये इतने प्रतिभा के धनी थे, तो इसे इम्प्रोवाइज्ड जो है पोएम कहेंगे, यानी आशुरचित कविता कहेंगे इसे, तत्काल। जैसे किसी ने बोला कि भाई फलानी चीज पर कविता सुनाइए, आपने तुरंत रच के तुरंत सुना दी उसे, तो इसे आशुरचित कविता बोलेंगे। ठीक है, आशुरचित रचना। तो आपने पहले का पहला सब पॉइंट नोट कर लिया, अब पहले का सेकंड सब पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि वह एक अच्छा कातिब यानी कविता कहने वाला और शायर था और अक्सर आशु कविताएं रचता था। ठीक है, इसके अलावा एक समकालीन लेखक हुए हैं उस समय के फिरिश्ता, तो फिरिश्ता ने यह कहा है कि फिरिश्ता के अनुसार क्या है कि वह फारसी, अरबी और तुर्की में ही नहीं बल्कि तेलुगु, कन्नड़ और मराठी में भी सिद्धस्त था। सिद्धस्त का मतलब उसे अच्छा खासा ज्ञान था तेलुगु, कन्नड़ और मराठी का भी। ये आपका पहले का थर्ड सब पॉइंट है, फिरिश्ता के अनुसार वह फारसी, अरबी और तुर्की में ही नहीं बल्कि तेलुगु, कन्नड़ और मराठी में भी सिद्धस्त था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए जो फिरोज शाह है, तो फिरोज शाह ने जो है उस समय बहमनी का यानी फिरोज शाह बहमनी का संकल्प जो था वो ये था कि दक्कन को भारत की हमें सांस्कृतिक राजधानी के रूप में कन्वर्ट करना है, दक्कन को भारत की उस समय सांस्कृतिक राजधानी बनाना है, ये इसका संकल्प था। सेकंड पॉइंट नोट कर लेना कि फिरोज शाह बहमनी का संकल्प दक्कन को भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का तब तक पतन हो गया था, पतन होने के बाद वहां पर तमाम आक्रमणकारियों का तांता लगा हुआ था और कोई केंद्रीय सत्ता वहां पे खड़ी नहीं हुई थी इतनी मजबूत सत्ता। इसका एक संकल्प यही था कि हमें जो दक्कन है इसको भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जो है तब्दील करना है। ठीक है, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए कि फिरोज शाह बहमनी का संकल्प दक्कन को भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का था। ठीक है, इसके अलावा इसने कुछ जो पुस्तकें थी ईसाइयों की पुस्तकें थी, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट है और न्यू टेस्टामेंट, ये दोनों पढ़ रखी थी और वह सभी धर्मों के मूल तत्वों का सम्मान भी करता था। ठीक है, इस सभी धर्मों के मूल, यानी कि जो फिरोज शाह बहमनी की तरह से आप कह सकते हैं कि सभी धर्मों का आदर करने वाला व्यक्ति था, कट्टरवादी नहीं था। ठीक है, तो सेकंड का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे, उसने ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों पढ़ रखा था और वह सभी धर्मों के मूल तत्वों का सम्मान करता था। ठीक है, पहले का सेकंड का सेकंड सब पॉइंट देखिए, इसे फिरिश्ता ने फिर क्या कहा है, उसे फिरिश्ता ने एक सच्चा मुसलमान कहा है जिसकी अकेली कमजोरी यह थी कि वह शराब पीने और संगीत सुनने का शौकीन था, यानी कि यह संगीत का और शराब पीने का बहुत ज्यादा शौकीन रहा है, यह इसकी अकेली कमजोरी थी शासक की। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रशासन में इसने बड़े पैमाने पर जो है फिरोज शाह ने हिंदुओं की भी भर्ती की है। ठीक है,
तो थर्ड पॉइंट नोट करेंगे आप कि प्रशासन में बड़े पैमाने पर हिंदुओं की भर्ती फिरोज साहब एमनी का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है आपका। यानी उस समय जो दक्कन में थे जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था, तो ब्राह्मणों के वर्चस्व की वजह से इसके जो है प्रशासन में भी अच्छी खासी जो है फौज जो है हिंदुओं की थी। ठीक है, यानी अच्छा खासा बोलबाला इसके शासन में हिंदुओं का बोलबाला था उस समय। अब देखिए, फिरोज शाह मेमनी एक उस समय का एक वैज्ञानिक परक शासक रहा है, एक तरह से हम बोल सकते हैं विज्ञान के प्रति जिसकी दिलचस्पी रही है। यानी फिरोज शाह मेमनी ने क्या किया है नया प्रयोग, कि फिरोज शाह मेमनी ने एक खगोल की को प्रोत्साहन दिया है और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई। खगोलकी का मतलब होता है कि अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित उसकी रुचि थी, उसके लिए उसने एक वेधशाला का निर्माण भी करवाया दौलताबाद में। यह आपका चौथा पॉइंट है कि फिरोज शाह बेहमनी खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई। ठीक है, इसके अलावा देखिए, उसने अपने राज्य के जो बंदरगाह थे, चौथे का सब पॉइंट है, उसने अपने राज्य के प्रमुख बंदरगाहों चौल और दाभोल पर काफी ध्यान दिया। इसके अलावा मतलब जो इसके बंदरगाह थे राज्य के चौल और दाभोल, जिनसे फारस की खाड़ी और लाल सागर तक व्यापारी जहाज जाते थे, तो इन पर भी इसने विशेष ध्यान दिया। ठीक है, चौथे का सब पॉइंट यही है, उसने अपने राज्य के प्रमुख बंदरगाहों चौल और दाभोल पर काफी ध्यान दिया। ठीक है, अब देखिए, जो एक खेड़ला का राजा था उस समय, खेड़ला का राजा जिसका नाम था गोंड, खेड़ला का गोंड राजा नरसिंह राय को हराकर फिरोज शाह बेमनी ने बरार की ओर बेमनी साम्राज्य का प्रसार आरंभ किया। यानी कि इसने खेड़ला के गोंड राजा नरसिंह राय को हराया, उसके बाद फिरोज शाह बेमनी ने बरार की ओर अपना बेमनी साम्राज्य इसका प्रसार किया है। पांचवा पॉइंट नोट कर लेना आप। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद जो बेमनी साम्राज्य है उसको धक्का कहां पर लगता है, यानी बेमनी साम्राज्य को धक्का कहां लगा, ये लगा है 1499 में जाके। ठीक है, तो 1419 ईस्वी में, 1419 ईस्वी में बेमनी साम्राज्य को धक्का लगा है। धक्का तब लगा जब देवराय प्रथम के हाथों जो है फिरोज शाह बेमनी पराजित हुआ है, उस समय इसे एक गहरा आघात लगा है। तो आप नोट करेंगे छठा पॉइंट आपका यही है, 1419 में बेमनी साम्राज्य को एक धक्का लगा जब देवराय प्रथम के हाथों फिरोज शाह बेमनी पराजित हुआ। ठीक है, अब देखिए, यहां पर फिरोज शाह बेमनी हारने के बाद क्या हुआ कि भाई राजनीतिक उथल पुथल के चक्कर में उसे अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी है, और राजनीतिक उथल पुथल के चक्कर में सत्ता छोड़ने के उपरांत इसका भाई जो था अहमद शाह प्रथम, वो फिर जो है गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो आप छठे का सब पॉइंट नोट करेंगे, यहां पे बोलता जा रहा हूं, छठे का पहला सब पॉइंट, इस हार से उसे अपने भाई अहमद शाह प्रथम के पक्ष में सत्ता छोड़नी पड़ी। छठे का सेकंड सब पॉइंट, अहमद शाह प्रथम प्रसिद्ध सूफी संत गेसु दराज के संपर्क में रहने के कारण वली कहा जाता था। यानी अहमद जो शाह प्रथम है, ये प्रसिद्ध सूफी संत थे गेसु दराज, इनके संपर्क में रहने के कारण ये उस समय वली यानी कि एक संत कहा जाता था। ठीक है, ये छठे का सेकंड सब पॉइंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अहमद शाह ने भी काफी सारे अभियान चलाए, अहमद शाह ने भी अपने जो तमाम क्षेत्रों पर जो है अभियान चलाए हैं, तमाम जहां पर इन्होंने एक इनका फेमस अभियान रहा है बारंगल के लिए। ठीक है, यानी इन्होंने बदला लेने के लिए बारंगल पर इन्होंने एक अभियान चलाया। ठीक है, यानी क्योंकि बारंगल ने उस समय विजयनगर का साथ दिया, तो विजयनगर से इनकी पुरानी दुश्मनी थी, तो इन्होंने फिर बारंगल के खिलाफ एक अभियान चलाया है। ठीक है, जिसमें उसके राजा को हराकर मार डाला है, उसके बाद उसके अधिकांश क्षेत्रों को इन्होंने अधिकृत कर लिया है। ठीक है, तो आप अब छठे यानी सातवां पॉइंट नोट करेंगे। सातवां पॉइंट, अहमद शाह ने वारंगल पर हमला किया और उसके राजा को लड़ाई में हराकर मार डाला और उसके राजा को एक लड़ाई में हराकर मार डाला। यह आपका सातवां पॉइंट है। साथ में का सब पॉइंट नोट करेंगे आप,
देखिए नव विजित क्षेत्रों पर अपने शासन को दृढ़ बनाने के लिए वह अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर ले आया है। यानी कि जो अहमद शाह है उस समय, ये अपनी राजधानी को इसने फिर क्या किया है, यानी कि जब वैसे वारंगल वाले क्षेत्र को इसने अधिकृत किया है, उसके बाद ये अपनी राजधानी को वारंगल से यानी गुलबर्गा तक इसने अपनी राजधानी को फिर पहुंचा दिया, यानी कि अपनी राजधानी उन्होंने गुलबर्गा से बीदर तक लेकर आया है फिर। ठीक है, ये सातवें का सब पॉइंट है आपका। ठीक है, सातवें का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे। उसके बाद उसने मालवा, गोंडवाना और कोंकण की ओर अपनी दृष्टि घुमाई। यानी इसके बाद फिर क्या किया इसने, जो मालवा गोंडवाना जैसे ही गुलबर्गा से बीदर अपनी राजधानी ले गया है अहमद शाह, उसके बाद उसने मालवा गोंडवाना कोंकण की ओर अपनी दृष्टि घुमाई है, इसके तरफ अपने अभियान करने की सोची है। अब देखिए इनका जो बहमनी साम्राज्य का जो राज्य है, इसमें एक नाम और आता है जिसका नाम है महमूद गावा। इसके बारे में अगर नहीं पढ़ा तो ये अपूर्ण जानकारी हमारे लिए रह जाएगी, तो महमूद गामा के बारे में भी लिखना पड़ेगा हमें। तो महमूद गामा हेडिंग जो सब हेडिंग करके डाल देना, जो आपका इसका चरम और विघटन है, यानी कि बहमनी साम्राज्य प्रसार और विघटन है, इसी में सब हेडिंग करके डाल देना महमूद गामा। ठीक है, अब देखिए जो महमूद गामा था ये इनका प्रधानमंत्री रहा था। महमूद गामा के बारे में हमें जानकारी ज्यादा नहीं मिलती है, यानी इतना मालूम है कि जन्म से ईरानी था और एक आरंभ में एक व्यापारी था। बाद में कुछ सालों बाद ये व्यापार के सिलसिले में भारत आया और धीरे धीरे करके उस राज्य में पहुंचा और बाद में ये जो सुल्तान है उसका वफादार बन गया। ठीक है, ऐसे करके इसके जो है राजनीति माने की कहानी है, ज्यादा इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट नोट करेंगे इसमें महमूद गामा के बारे में, बहमनी साम्राज्य का प्रसार, बहमनी साम्राज्य का प्रसार महमूद गामा के का प्रसार महमूद गामा के प्रधानमंत्रित्व में शक्ति और क्षेत्रीय विस्तार की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। पहला पॉइंट यही है कि बहमनी साम्राज्य का प्रसार महमूद गामा के प्रधानमंत्रित्व में शक्ति और क्षेत्रीय विस्तार की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। पहले का सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, वह जन्म से ईरानी और आरंभ में एक व्यापारी था, यानी कि जन्म से ईरानी था और आरंभ में एक व्यापारी था। ठीक है, अब पहले का सेकंड सब पॉइंट, उसे मलिक उल तुजार की उपाधि दी गई। ठीक है, ये लिख लेना आप, उसे सुल्तान ने, इस तरह से लिख लेना आप, उसे सुल्तान ने मलिक उल तुजार की उपाधि दी। ठीक है, यानी कि सुल्तान का जो प्री बन गया धीरे धीरे करके, और फिर सुल्तान ने इसे मलिक उल तुजार की उपाधि दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर जो है, जैसे ये पेशवा प्रधानमंत्री बन गया है, उसके बाद इसका अधिकतर जो है बहमनी साम्राज्य पर इसका विस्तार हो गया है, अधिक से अधिक इसने कब्जा करने की कोशिश करवाई है कि भाई बहमनी साम्राज्य ज्यादा से ज्यादा पनपे। तो इसके लिए उसने पूरब में साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, यहां पर इसने बहमनी साम्राज्य पूरब में विस्तार भी किया है। यहां पर सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, उसने पूरब में और अधिक कब्जा करके बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने सेकंड पॉइंट, उसने पूरब में और अधिक कब्जा करके बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे, यहां पर विस्तार किया लेकिन, सॉरी, इसमें सब पॉइंट नोट लिखेंगे आप, लेकिन दाभोल और गोवा समेत, लेकिन उस समय क्या हुआ कि दाभोल और गोवा थे, कहां पर पहुंच गए हम लोग, अबे थोड़ा मिसमैच हुआ है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, यहां पर, हाँ, अब यहां पे सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे, यहां पर लेकिन दाभोल, लिखते जाइए आप सब पॉइंट करके लिख लीजिए, शायद स्लाइड या कोई और स्लाइड लग गई है यहां पर। ठीक है, यहां पर लिखेंगे लेकिन, सेकंड का सब पॉइंट, लेकिन दाभोल और गोवा समेत पश्चिमी समुद्र तटों को रौंद देना, लेकिन दाभोल और गोवा समेत पश्चिमी समुद्र तटों को रौंद देना, ठीक है, रौंद देना कहां गया, पश्चिमी समुद्र तटों को रौंद देना महमूद गामा का प्रमुख सैन्य योगदान था। कभी कभी क्या होता है, स्लाइडें जो लगाते हैं आगे पीछे हो जाती हैं, तो दिक्कत होती है वो ढूंढने में। ठीक है, तो यहां पर यही हुआ है, पता नहीं किसी और, कोई और स्लाइड यहां पे लग गई है, वो स्लाइड कट गई है, जिस चक्कर में वो मिल नहीं रहा है। तो नोट कर लिया होगा सेकंड का सब पॉइंट, लेकिन दाभोल और गोवा समेत पश्चिमी समुद्र तटों को रौंद देना महमूद गामा का एक प्रमुख सैन्य योगदान था। ठीक है,
अब देखिए, जो महमूद गावा था, इसने जो प्रशासन को चलाने के लिए क्या किया, इसने महमूद गावा ने प्रशासन को, यानी कि ये साम्राज्य को 8 पार्टों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, यानी कि इसने प्रशासन को चलाने के लिए इसे 8 भागों में डिवाइड कर दिया है महमूद गावा ने। हाँ, यहां से है, आप नोट करेंगे यहां पे चौथा पॉइंट, महमूद गावा ने साम्राज्य को 8 प्रांतों में बांटा, यानी तरफों में बांटा, ठीक है, और हर तरफ का शासन एक तरफदार चलाता था। चौथा पॉइंट आपका यही है कि महमूद ने साम्राज्य को 8 प्रांतों में बांटा, हर तरफ का शासन एक तरफदार चलाता था। चौथे का सब पॉइंट, उस समय जो वेतन था वो नगद या जागीर के रूप में दिया जा सकता था, नगद भी दे सकते थे और जागीर के रूप में, चौथे का सब पॉइंट है। अब देखिए, यहां पर जो अलग अलग तरफ बांटे गए थे, तरफ में इन्होंने एक काम किया था कि हर तरफ में सुल्तान के लिए एक अलग से, यानी एक खर्च के लिए एक भूभाग को रिजर्व कर दिया था, सुल्तान के खर्च के लिए भूभाग का एक हिस्सा रख दिया था इन्होंने हर प्रांत में, ठीक है। तो चौथे का सेकंड सब पॉइंट यही है, हर प्रांत में एक तरफ में सुल्तान के खर्च के लिए भूभाग खालिसा अलग रखा गया था, ठीक है। इसके अलावा जो महमूद गामा है, ये कला का एक महान संरक्षक भी रहा है, इसने एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, यानी उसने राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसा बनवाया, मदरसा बनवाया शिक्षा के लिए, ठीक है, जिसमें 1000 अध्यापक और छात्र रह सकते थे। पांचवा पॉइंट नोट कर लेना, महमूद गावा कला का महान संरक्षक था, उसने राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसा बनवाया जिसमें 1000 अध्यापक और छात्र रह सकते थे, ठीक है। अब देखिए, वहां पर भी ऐसी, यानी प्रॉब्लम थी, अभी वहां पर भी षड्यंत्र चलते थे, यानी लोग कान भरने वाले थे, तो वहां पर जब एक राजा था, उनका ही भैमणी साम्राज्य का राजा था, तो उसने राजा के कान लोगों ने भर दिए, वहां के जो कुलीन लोग थे उन्होंने राजा के कान भर दिए, और ऐसे करके उन्होंने राजा के हाथों षड्यंत्र के तहत महमूद गावा को मरवा दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी है, कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया षड्यंत्र के तहत, ठीक इसी प्रकार से महमूद गावा भी यहां पे मार दिया जाता है। तो छठा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, छठा पॉइंट नोट करेंगे उसके विरोधी नौजवान सुल्तान के कान भरने में कामयाब रहे और उसने 1482 में गावा को मरवा डाला, ठीक है, यानी कि जो उसके विरोधी थे जो महमूद गावा के, तो ये इन्होंने नौजवान सुल्तान के कान भरने स्टार्ट कर दिए और इसी में 1482 में गावा को उसने फिर मरवा डाला है, ठीक है। अब जब गावा मर गया है तो उसके 8 तरफ उसने डिवाइड की थी, यानी 8 प्रांतों में जो विभाग डिवाइड किए थे वो सब उनमें स्वतंत्र हो गए, उन सब जल्दी से जल्दी फूट पड़ी और अपने अपने स्वतंत्र राज्य वो घोषित हो जाते हैं, और इसी प्रकार जो है ये साम्राज्य बट जाता है, यानी जो भैमनी साम्राज्य का जो है बट जाता है अलग अलग जगह पर। तो आप नोट करेंगे यहां पर छठे का पहला सब पॉइंट, विभिन्न तरफदार स्वतंत्र हो गए, जल्द ही भैमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बट गया, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। छठे का सब पॉइंट यही है, वाला सब पॉइंट, विभिन्न तरफदार स्वतंत्र हो गए और जल्द ही भैमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बट गया, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, ठीक है। अब देखिए, इनमें से जो अहमदनगर और बीजापुर और गोलकुंडा है, इन्हें 17वीं सदी में जो है मुगल साम्राज्य में इन्हें मिला लिया गया है, ठीक है। तो छठे का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना आप, इनमें से अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों ने, इस तरह से लिख लीजिए, इनमें से अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों को 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया, राज्यों को 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये था बहमनी साम्राज्य, अब आपने जान लिया गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर अलग अलग ये हुए, तो कैसे अलग हुए, क्या कहानी थी इनके अलग होने की, और ये कहां से ये बन गए, छोटे छोटे राज्य बन गए हैं बाद में, ठीक है। तो आपने ये पूरी कहानी जान ली, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो हेडिंग है ये आपकी हेडिंग है, विजयनगर साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन, यानी विजयनगर साम्राज्य अब किस तरह से चरम पे पहुंचा है और किस तरह से उसका विघटन हो जाता है, अब ये भी आप पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, विजयनगर साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन। देखिए, विजयनगर के बारे में अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में तमाम अनियमितताएं भी रही हैं, जैसे कि यहां पर
देवराज द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में एक घोर अफरातफरी मच जाती है, क्योंकि विजयनगर के साम्राज्य में जो ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार वाला नियम था वो स्थापित नहीं हुआ था। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन यही था कि वहां पर जो है एक कोई जो गद्दी पे बैठने का उत्तराधिकार का नियम था स्थापित नहीं हुआ हो पाया था। इसके लिए जो गद्दी पर जो विभिन्न दावेदार थे उनके बीच एक गृहयुद्ध चल पड़ा। ठीक है, इन गृहयुद्धों की संघर्ष चल पड़ी गद्दी पे बैठने के लिए। तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे विजयनगर में ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार का नियम स्थापित नहीं हुआ था, इसलिए देवराज द्वितीय की मृत्यु के बाद गद्दी के विभिन्न दावेदारों के बीच गृहयुद्ध चल पड़ा। पहला पॉइंट आपका यही है कि विजयनगर में ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार का नियम स्थापित नहीं हुआ था, इसलिए देवराज द्वितीय की मृत्यु के बाद गद्दी के विभिन्न दावेदारों के बीच गृहयुद्ध चल पड़ा। ठीक है, अब यहां पर उसी समय एक व्यक्ति यहां पर आते हैं। ठीक है, एक शक्तिशाली एक व्यक्ति रहे हैं जो कि मंत्री रहे थे, जो मंत्री थे सालोवा। तो इन्होंने सालोवा ने जो है गद्दी हड़प ली है, इन्हीं के नाम से सालोवा वंश पड़ जाता है, यानी विजयनगर में जो पहला जो वंश है इसके बाद सालोवा वंश आ जाता है विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, तो आप नोट करेंगे आप सेकंड पॉइंट, कुछ समय बाद मंत्री सालोवा ने गद्दी हड़प ली। सालोवा ने कानून और व्यवस्था को बहाल किया और एक नए राजवंश की स्थापना की है, सालोवा राजवंश की स्थापना हो गई। इसी के साथ सेकंड पॉइंट यही है कि कुछ समय बाद मंत्री सालोवा ने गद्दी हड़प ली, सालोवा ने कानून और व्यवस्था को बहाल किया और एक नए राजवंश की स्थापना की। ठीक है, अब देखिए जल्द ही इस राजवंश का भी नाश हो गया, सालोवा राजवंश का भी नाश जल्दी से ही हो गया, ये भी याद टिक नहीं पाए। तो सेकंड का पहला सब पॉइंट, जल्द ही इस राजवंश का भी अंत हो गया। अंततः कृष्णदेव के एक नया राजवंश जिसे तुलुवा राजवंश कहते हैं का आरंभ किया, यानी इसके बाद सालोवा के बाद कौन सा आया, तुलुवा राजवंश आया है। ठीक है, सेकंड का पहला सब पॉइंट, जल्द ही इस राजवंश का अंत हो गया। अंततः कृष्णदेव ने एक नया राजवंश जिसे तुलुवा राजवंश कहते हैं का आरंभ किया। सेकंड का सेकंड सब पॉइंट, देखिए कृष्णदेव राय जो था वो इस राजवंश का तुलुवा राजवंश का सबसे महान शासक रहा है। सेकंड का सेकंड सब पॉइंट, कृष्णदेव राय 1509 से 1530 इस राजवंश का सबसे महान व्यक्ति था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो कृष्णदेव राय है इसको न केवल कानून और व्यवस्था को बहाल करना पड़ा बल्कि विजयनगर के पुराने विरोधी थे जिनको लेकर सत्ता पे आसीन होने को लेकर इनमें जो विद्रोह चल रहा था, गृहयुद्ध चल रहा था और बहमनी के उत्तराधिकारी थे, उन सब से इसको निपटना पड़ा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट आपका यही है, बोलता जा रहा हूं मैं, कृष्णदेव राय को न सिर्फ कानून और व्यवस्था को बहाल करना पड़ा बल्कि विजयनगर के पुराने विरोधियों और साथ ही इसे पुर्तगालियों का भी सामना करना पड़ा यानी कि विजय जो कृष्णदेव राय को ना सिर्फ कानून व्यवस्था को बहाल करना पड़ा बल्कि जो है विजयनगर के पुराने विरोधियों जिसमें बहमनी शामिल थे और उड़ीसा के कुछ सात राज्य शामिल थे, इसके अलावा इसी के टाइम पे आ गए पुर्तगाली, तो पुर्तगालियों का भी सामना करना पड़ा है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनकी जो कृष्णदेव राय की है उड़ीसा के साथ युद्ध में एक 7 सालों की श्रृंखला चली है, यानी कृष्णदेव राय का लगातार 7 सालों तक युद्ध चला है उड़ीसा के राजाओं के साथ। तो चौथा पॉइंट नोट करेंगे, 7 वर्षों तक चली युद्धों की एक श्रृंखला में कृष्णदेव राय ने 7 वर्षों तक चली युद्धों की एक श्रृंखला में कृष्णदेव राय ने पहले उड़ीसा के शासक को कृष्णा नदी के सभी क्षेत्र विजयनगर को वापस सौंपने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, चौथे का पहला सब पॉइंट, इसके बाद तुंगभद्रा के द्वाब पर नियंत्रण किया। ठीक है, इसके बाद तुंगभद्रा के द्वाब पर नियंत्रण किया, चौथे का सेकंड सब पॉइंट। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया,
फिर इन्होंने क्या था, बीजापुर, यानी फिर उन्होंने रायचूर और मुदगल को रौंदकर इन्होंने क्या किया, यानी फिर उन्होंने बीजापुर पर कब्जा करके अनेक दिनों तक उसे लूटा है और एंड में उसे पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे चौथे का, फिर उन्होंने बीजापुर पर कब्जा करके अनेक दिनों तक उसे लूटा और संध होने से पहले गुलबर्गा को नष्ट कर दिया, यानी उसकी राजधानी थी गुलबर्गा, उसको नष्ट कर दिया है। ये चौथे का सेकंड सब पॉइंट है, यानी फिर उन्होंने बीजापुर पर कब्जा करके अनेक दिनों तक उसे लूटा और संध होने से पहले गुलबर्गा को नष्ट कर दिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कृष्णदेव राय जो रहा है, वो कृष्णदेव राय एक बढ़ाई प्रतिभाशाली व्यक्ति रहा है, यानी कि इसे कृष्णदेव राय को जो है तेलुगु संस्कृत इन सब का विद्वान था, इनका सबका इसको बहुत अच्छी तरह से ज्ञान भी था। ठीक है, तो नोट करेंगे आप यहां पर, अब आप अगला पॉइंट नोट करेंगे आप, पांचवा पॉइंट, कृष्णदेव राय एक महान निर्माता था, कृष्णदेव राय एक महान निर्माता वह तेलुगु संस्कृत का विद्वान था, वह तेलुगु और संस्कृत का विद्वान था, पांचवा पॉइंट यही है कि कृष्णदेव एक महान निर्माता व तेलुगु और संस्कृत का महान विद्वान था। ठीक है, पांचवें का सब पॉइंट नोट करेंगे, पहला सब पॉइंट, ठीक है, उसके शासन में तेलुगु साहित्य का एक नया युग आरंभ हुआ, यानी इसके शासन में तेलुगु साहित्य है इसका एक नया युग आरंभ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसने ये युग आरंभ कर दिया, तो इसी युग में इसने क्या किया, इसने तेलुगु कन्नड़ और तमिल जो कवि थे इनका एक समान संरक्षण किया और एक समान इन्हें प्रोत्साहन भी दिया। पांचवें का सेकंड सब पॉइंट यही है, उसने तेलुगु कन्नड़ और तमिल कवियों को एक समान संरक्षण दिया, ये आपका पांचवें का सेकंड सब पॉइंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर छठा पॉइंट आप नोट करेंगे, यहां पर देखिए विजयनगर शासक जो हैं वो हिंदू धर्म के महान संरक्षक माने जाते हैं, हिंदू धर्म के महान संरक्षक, यानी इन्हीं के वजह से जो चोल और जो और साम्राज्य थे एंड हो गया था, उनके बाद विजयनगर साम्राज्य ने ही इन हिंदू जो विरासत स्थल हैं उनको संभाल के रखा है। ठीक है, छठा पॉइंट नोट करेंगे, विजयनगर शासकों को हिंदू धर्म का महान संरक्षक माना जाता है। ठीक है, उनकी देखरेख में बड़ी संख्या में मंदिर विद्यालय और मठ बनाए गए, ये आपका छठा पॉइंट है। ठीक है, सातवां पॉइंट नोट करेंगे अब आप, देखिए 1530 में जो है कृष्णदेव राय की जो है मृत्यु हो जाती है, यानी 1530 में कृष्णदेव की मृत्यु के बाद उसके संबंधियों में उत्तराधिकार का संघर्ष चल पड़ा, क्योंकि उसके सभी बेटे अवयस्क थे, यानी उसके सभी बेटे कृष्णदेव राय के अवयस्क थे, इसकी वजह से उनके सभी जो उत्तराधिकार, यानी सभी जो संबंधी थे उनमें उत्तराधिकार को लेकर एक संघर्ष चल पड़ा है। ठीक है, यह आपका सातवां पॉइंट है। अब इसी संघर्ष के दौरान एक व्यक्ति है सदाशिव राय, वो गद्दी पर बैठता है, साथ में का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे। अंततः 1543 में सदाशिव राय गद्दी पर बैठा और 1567 तक उसने शासन किया, ये साथ में का पहला सब पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे लिखेंगे, लेकिन वास्तविक शक्ति एक त्रिमूर्ति के हाथों में थी जिसमें अग्रणी व्यक्ति रामराजा था, यानी वास्तविक शक्ति का मतलब त्रिमूर्ति का मतलब तीन व्यक्ति थे, तीन व्यक्तियों में एक व्यक्ति अग्रणी था जिसका नाम था रामराजा, यानी कि एक तरह से आप ये मान सकते हैं गद्दी पर सदाशिव बैठा है ये कठपुतली शासक है, यानी इसको कुछ आता जाता नहीं है, इसके बैकग्राउंड में त्रिमूर्ति लोग जो खड़े हैं वही सब कुछ संभालने वाले हैं, तो इस त्रिमूर्ति में श्रृंखला में रामराजा जो है वो ज्यादा फेमस है, रामराजा। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो नोट करवा रहा हूं अभी मैं, आपने साथ में का पहला सब पॉइंट नोट कर लिया। अंततः 1543 में सदाशिव राय गद्दी पर बैठा और 1567 तक उसने शासन किया, लेकिन वास्तविक शक्ति एक त्रिमूर्ति के हाथों में थी जिसमें अग्रणी व्यक्ति राम राजा था। ठीक है, अब देखिए राम राजा ने क्या चाल चली है यहां पर, क्योंकि वो तो कठपुतली शासक है सदाशिव, उसे तो मतलब नहीं है, अब राम राजा का रोल है वो जानेंगे। देखिए राम राजा ने उसी टाइम पे क्या किया, साथ में का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, राम राजा ने पुर्तगालियों से एक व्यापारिक संधि की जिसके अनुसार बीजापुर के शासकों को घोड़ों की आपूर्ति रोक दी गई। ठीक है, साथ में का सेकंड सब पॉइंट है कि राम राजा ने पुर्तगालियों के व्यापारियों से व्यापारिक संधि की जिसके अनुसार बीजापुर के शासकों की घोड़ों की आपूर्ति रोक दी गई, ये साथ में का सेकंड सब पॉइंट था। अब देखिए जो राम राजा है इसने क्या किया, इसने युद्धों की एक श्रृंखला स्टार्ट कर दी, इसने युद्धों की एक श्रृंखला स्टार्ट कर दी है, साथ में का थर्ड सब पॉइंट है, जिसमें इसने बीजापुर के शासक
ठीक है, गोलकुंडा और अहमदनगर, इन तीनों को मानते नहीं है। यानी इसने युद्धों की एक श्रृंखला में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर को मात दी। आप नोट कर लेना साथ में का थर्ड सब पॉइंट, युद्धों की एक श्रृंखला में उसने बीजापुर, किस किस को, बीजापुर को, गोलकुंडा को और अहमदनगर को अपमानजनक मातें दी। ठीक है, यानी ये तीन शासकों को एक बार में इसने हराया है, बीजापुर को, गोलकुंडा को और अहमदनगर को। ठीक है, अब देखिए सातवें का थर्ड सब पॉइंट, सातवें का चौथा सब पॉइंट, आखिर में क्या होता है कि आखिर में तीनों एक हो जाते हैं। यानी आखिर में ये तीनों, यानी बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर तीनों एक हो जाते हैं, जिसके बाद एक घमासान युद्ध होता है जिसका नाम था तालकोटा की लड़ाई के नाम से, यानी तालीकोटा की लड़ाई के नाम से ये फेमस है। तो सातवें का चौथा सब पॉइंट नोट करेंगे, आखिर में इन तीनों ने एक होकर यानी उन्होंने से मतलब इन तीनों लगा लेना, आखिर में इन तीनों ने एक होकर 1565 में तालीकोटा के पास बन्नी हट्टी में विजयनगर को एक करारी शिकस्त दी। ये सातवें का चौथा सब पॉइंट है, आखिर में इन तीनों ने एक होकर 1565 में तालीकोटा के पास बन्नी हट्टी में विजयनगर को करारी शिकस्त दी। इसे तालीकोटा की लड़ाई या राक्षस तंगड़ी की लड़ाई भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सातवें का चौदह सब पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये काफी बार पूछा गया है तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी, तालीकोटा की लड़ाई कुछ अन्य नाम से जानते हैं, ये काफी बार पूछा गया है पीसीएस में, तो खास करके पूछ लेते हैं तालीकोटा के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना आप इसे। तो सातवें का चौदह सब पॉइंट नोट कर लिया आपने, अब सातवें का सब पॉइंट, पांचवा सब पॉइंट नोट करेंगे, पांचवा सब पॉइंट, इस युद्ध में राम राजा मार डाला गया, और विजयनगर को पूरी तरह लूटकर खंडहर बना दिया गया, यानी इस युद्ध में क्या हुआ, जो राम राजा था वो मार दिया गया और विजयनगर को पूरी तरह लूटकर खंडहर बना दिया गया। ऐसे करके जो आपकी तालीकोटा की लड़ाई है या राक्षस संग्रह की तंगड़ी की लड़ाई है, ये विजयनगर के महायुग का अंत माना जाता है। यानी 1565 की लड़ाई है, ये विजयनगर के शासन का अंत माना जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर विजयनगर का शासन एंड हो गया। अब देखिए विजयनगर के बारे में थोड़ा हम ये जान लेते हैं, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, यानी इसका प्रशासन संचालन कैसा होता था, तो ये सब भी हम जान लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो आठवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे यहां पर, विजयनगर साम्राज्य में राजा को सलाह के एक मंत्र प्रसाद देती थी। आठवां पॉइंट यही है, विजयनगर साम्राज्य में राजा को सलाह एक मंत्र प्रसाद देती थी। ठीक है, आठवें का पहला सब पॉइंट, देखिए साम्राज्य को राज्यों या मंडलम में, प्रांतों में बांटा गया था। आठवें का पहला सब पॉइंट यही है कि साम्राज्य को राज्यों या मंडलम यानी प्रांतों में बांटा गया था। आठवें का सेकेंड सब पॉइंट है, उसके नीचे नाडू यानी जिले, स्थल, उपजिले और ग्राम, गांव होते थे। ठीक है, आठवें का सेकंड सब पॉइंट, उसके नीचे नाडू, जिले, स्थल, उपजिले और ग्राम यानी गांव होते थे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या था कि आरंभ में ये लोग जो थे राजकुमारों को प्रांतों के अधिपति बनाते थे। आरंभ में ये लोग क्या करते थे, जो विजयनगर साम्राज्य के लोग राजकुमार जो होते थे इनके ने प्रांतों के अधिपति बना देते थे, लेकिन बाद में जो अधीनस्थ शासक थे उनके परिवार के सदस्यों को, कुलीनों को प्रांतिपति बनाया जाने लगा। यानी शुरुआत में तो आरंभ में राजकुमार बनाए जाते थे और बाद में अधीनस्थ इनके शासक होते थे उनके परिवारों के सदस्यों को कुलीन बनाया जाता था। ठीक है, कुलीनों का प्रांतिपति बनाया जाता था। नवा पॉइंट नोट कर लेना आप, ठीक है, नवे का सब पॉइंट नोट करेंगे, ये प्रांतपति अपना दरबार लगाते, अपने अधिकारी नियुक्त करते और सेनाएं रखते थे। ठीक है, यानी कि ये प्रांतपति जो थे ये क्या क्या करते थे, अपना दरबार लगाते थे, अधिकारी नियुक्त करते थे और सेनाएं रखते थे। इसके अलावा सिक्के भी जारी करते थे, लेकिन सिक्के इनके जो होते थे वो राज्य के सिक्के के अकॉर्डिंग, राज्य के सिक्के के अनुसार इनका मूल्य कम होता था, छोटे होते थे। ठीक है, तो आपने नवे का सब पॉइंट नोट कर लिया है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दसवां पॉइंट नोट करेंगे आप, देखिए विजयनगर साम्राज्य जो है, दसवां पॉइंट आप नोट करेंगे कि केंद्र प्रशासित एक बहुत बड़े क्षेत्र में राजा सैन्य सरदारों को निश्चित राजस्व वाले आम्रम क्षेत्र देता था।
दसवां पॉइंट यही है, केंद्र प्रशासित एक बहुत बड़े क्षेत्र में राजा सैन्य सरदारों को निश्चित राजस्व वाले आमरम क्षेत्र देता था। दसवें का सब पॉइंट, ये सरदार पलेगार या फिर पालेगार या नायक कहलाते थे। दसवें का सब पॉइंट यही है, ये सरदार पलेगार या ब्रैकेट में पालेगार या नायक कहलाते थे। देखिए जो विजयनगर साम्राज्य है यहां पर हमें किसानों की आर्थिक दशा के बारे में ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता है, कि उस समय के जो इतिहासकार हैं, उस समय के जो यात्री हैं, यात्री वृत्तांत हैं, तो उन्होंने ग्रामीण जीवन की बहुत कम झलक देखी है। ठीक है, ग्यारहवें पॉइंट नोट कर लेना कि विजयनगर साम्राज्य में किसानों की आर्थिक दशा पर इतिहासकार एकमत नहीं है, क्योंकि अधिकांश यात्रियों को ग्रामीण जीवन का बहुत कम ज्ञान था। ठीक है, ये ग्यारहवां पॉइंट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बारहवां पॉइंट नोट करेंगे आप, यहां पर कर व्यवस्था कैसी, कराधान व्यवस्था कैसी थी। देखिए यहां पे भू कर के अलावा दूसरे बहुत से कर भी थे, जैसे संपत्ति कर, फसल की बिक्री कर, व्यवसाय कर, यानी कि व्यवसाय कर जो लिया जाता था वो आपातकाल में इमरजेंसी में लिया जाता था सेना के लिए योगदान के रूप में। ठीक है, और यहां पे एक चीज और नहीं देखने को मिलती, विभाग कर, यानी कि विभाग करने पर भी यहां पे कर लगाया जाता, विभाग कर आदि, ये कर यहां पे थे प्रमुख रूप से। भू कर के अलावा दूसरे बहुत से कर भी थे, जैसे संपत्ति कर, फसल कर, व्यवसाय कर आपातकाल में, सेना के लिए योगदान और विभाग कर आदि। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डालते हैं हेडिंग पुर्तगालियों का आगमन, यानी पुर्तगाली हमारे देश में कैसे आए हैं, कैसे इनकी सत्ता का प्रसार हुआ है, पूरा इतिहास यहाँ पे आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि हम यहाँ पे अब बर्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि हम मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर अंदर आपका पोर्शन जो है बर्ड हिस्ट्री का आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर वे में ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर वे में ये भी पढ़ेंगे बर्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन, पुर्तगालियों का आगमन। अब देखिए पुर्तगाली जो है, पुर्तगालियों में आपको पता होगा कि 1498 में वास्को डी गामा, यानी वास्को दा गामा, वास्को डी गामा, ठीक है, ये अपने दो जहाज लेकर कालीकट में उतरा था। ठीक है, इसे कोझिकोड के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके चालक जो थे वो गुजराती थे, क्योंकि जिन्होंने अफ्रीकी तट से कालीकट तक का रास्ता दिखाया था ऐसे। ठीक है, तो पहला पॉइंट अब आप नोट कर लीजिए, 1498 में वास्को डी गामा गुजराती चालकों की मदद से दो जहाज लेकर कालीकट में उतरा। ठीक है, पहला पॉइंट आपका यही है। सेकेंड पॉइंट देखिए, पुर्तगाली ऐसे समय में भारत आए थे जब इनके यहां, यानी इनके खुद के देश में एक जो गति थी, यानी एक इनके देश में क्रांति आई हुई थी, एक इनके देश में कहीं ना कहीं एक सुधार चल रहा था, यूरोप में और अन्य जगहों पर एक सुधार चल रहा था। उस समय में ये जो है भारत आए थे, यानी पुर्तगाली ऐसे समय भारत में आए थे जब यूरोप में दलदलों की सुखाई हो रही थी, जंगलों की कटाई हो रही थी, सुधरे हुए हल्का फसलें चल रहा था और एक वैज्ञानिक फसल चक्र का जो है यहां पर मवेशी की संख्या और मांस की आपूर्ति भी बढ़ रही थी, यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से सुधर रही थी। ऐसे टाइम में ये लोग जो है भारत में आए थे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, पुर्तगाली ऐसे समय में भारत आए जब यूरोप में दलदलों की सुखाई और जंगलों की कटाई, कोमा सुधरे हुए हल के प्रचलन और एक अधिक वैज्ञानिक फसल चक्र के कारण मवेशी की संख्या और मांस की आपूर्ति बढ़ रही थी और यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से सुधर रही थी। इस टाइम पे ये भारत में आए हैं। ठीक है, अब देखिए जब आर्थिक पुनरुत्थान जब चल रहा था, तो आर्थिक पुनरुत्थान के इस दौर में यहां पर इन जो कंट्री है इसमें जो है मसालों की, यानी काली मिर्च की, मसालों की, ठीक है, इनकी आवश्यकता बहुत तेजी से बढ़ी। ठीक है, तो सेकंड का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे कि आर्थिक पुनरुत्थान के साथ काली मिर्च और मसालों की आवश्यकता मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए पड़ती थी। ठीक है, यही आप नोट कर लेना सेकंड का पहला सब पॉइंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये उस समय क्या करते थे, सेकंड का सेकंड सब पॉइंट है, ये भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से ये लोग उस समय काली मिर्च जो है स्थल मार्ग से और अंश समुद्र मार्ग से जो है लिवेंट, मिस्र और काला सागर के बंदर हड़गांव तक पहुंचाई जाती थी। यानी उस समय का ये कंडीशन ये थी, पुर्तगाल के आने से पहले, यानी वास्को डी गामा के आने से पहले जो काली मिर्च थी वो दक्षिण पूर्व एशिया से और भारत से ये स्थल मार्ग के द्वारा और जो समुद्री मार्ग है इनके द्वारा लिवेंट और मिस्र और काला सागर के बंदरगाहों तक लाई जाती थी, वहां से फिर जो है पुर्तगाल के लिए और यूरोप के लिए पहुंचती थी। ठीक है, तो थर्ड सेकंड का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना आप ये वाला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 15वीं सदी के आरंभ में क्या होता है, 15वीं सदी के आरंभिक भाग में उस्मानी तुर्कों की सत्ता उदय होती है
और ये जो क्षेत्र हैं वो इनके नियंत्रण में आ जाते हैं। यानी कि जो यहाँ पर हमारा व्यापार होता था, समुद्री व्यापार वाला क्षेत्र है, जैसे लिवेंट वाला है, मिस्र वाला है, काला सागर वाला क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र आ जाता है उस्मानी तुर्कों के नियंत्रण में। इस वजह से क्या होता है, उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पुर्तगालियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो थर्ड पॉइंट नोट कर लेना कि 15वीं सदी के आरंभिक भाग में उस्मानी तुर्कों की सत्ता के उदय के बाद ये सभी क्षेत्र तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। ठीक है, अब देखिए, जब तुर्कों के नियंत्रण में आ गए, तुर्क व्यापार के विरोधी नहीं थे, तुर्क जो लोग थे व्यापार के विरोधी नहीं थे, लेकिन ये काफी चीजों पर ये लोग भी एकाधिकार समझने लगे और उन पर टैक्स वसूलने लगे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो तुर्क लोग थे, इन्होंने जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर का पूर्वी हिस्सा जो था, इन्होंने एक अपनी झील की तरह इस्तेमाल किया, यानी एक अपना, एक तरह से मान सकते हैं अपने घर की पंचायत है वहां पर, इस तरह से इस्तेमाल किया। और उसी दौरान यहाँ पे भूमध्य सागर में के बगल में ही जो पूर्व वाले देश थे, जिसमें आपका यहाँ पर पुर्तगालियों के देश जो थे, इनके दो देश थे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि एक आपका जो था यहाँ पे, यानी कि जैनोवासी बोला जाता है देश, जिसका नाम है यहाँ पे वेनिस, ठीक है, एक वेनिस था और एक दो कंट्री और थे जिनको इन्होंने क्या था, अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो सेकंड का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे आप, सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे, यहां से नोट करेंगे, पहला सब पॉइंट है, इसलिए तुर्क खतरे के खिलाफ जंग का परचम, इसलिए तुर्क खतरे के खिलाफ, थर्ड का सब पॉइंट है, पहला सब पॉइंट, इसलिए तुर्क खतरे के खिलाफ जंग का परचम भूमध्य सागर के पश्चिमी बाकी शक्तियों अर्थात स्पेन और पुर्तगाल ने बुलंद किया, यानी एकाधिकार इनका स्थापित हो गया, इसी वजह से इन्होंने बुलंद कर दिया। तीसरे का पहला सब पॉइंट है। अब देखिए इनकी सहायता किन किन लोगों ने की, थर्ड का सेकेंड सब पॉइंट नोट करेंगे आप, इनकी सहायता उत्तरी यूरोप वालों ने धन जन देकर की, तथा जेनोआ वालों ने जो वेनिस के प्रतियोगी थे जहाज और तकनीकी ज्ञान देकर, यानी कि इनकी सहायता कैसे की पुर्तगाल और स्पेन वालों की, इनकी सहायता यूरोप वालों ने एक धन देकर और जो अपने आदमी देकर की, वहीं जो जेनोआ वाले थे जिन्हें वेनिस के प्रतियोगी कहा जाता था, ठीक है, इन्होंने जहाज और तकनीकी देकर अपनी इनकी सहायता दी, ठीक है, जेनोआ वालों ने। ठीक है, अब देखिए इसी में अगला पॉइंट नोट करेंगे, यानी कि थर्ड का आपने सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया। देखिए भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वो अकेले इसने नहीं की थी, इसकी खोज करने में के पीछे तमाम लोगों का योगदान भी था, यानी भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने में अकेले वास्को डी गामा का हाथ नहीं था, बल्कि इन सभी लोगों ने इसकी जो शुरू की थी। तो थर्ड का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना, थर्ड का थर्ड सब पॉइंट के भारत के समुद्री मार्ग की खोज अकेले पुर्तगालियों ने नहीं बल्कि इन सभी लोगों ने शुरू की। थर्ड का चौथा सब पॉइंट नोट करेंगे, देखिए इसमें इसी खोज के क्रम में आपको पता होगा जो कोलंबस था, क्रिस्टोफर कोलंबस, इसने अमेरिका की खोज भी इसमें शामिल थी, वो इसी खोज का ही हिस्सा था। ठीक है, तो थर्ड का चौथा सब पॉइंट नोट करेंगे कि इनमें जेनोवा वासी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज भी शामिल है। ठीक है, अब देखिए वहां पर जो 1418 में एक पुर्तगाली शासक होता है जिसका नाम था दोम हेनरी। ठीक है, चौथा पॉइंट नोट कर लेना, 1418 में एक शासक होता है दोम हेनरी, तो इसने अफ्रीका के पश्चिमी तट की खोज के लिए हर साल दो या तीन जहाजें भेजा करता था। ठीक है, यानी कि इतना ज्यादा ये लालायत था भारत तक पहुंचने के लिए कि हर साल ये दो या तीन जहाज भेजा करता था कि कैसे भी करके अफ्रीका का तट पता चल जाए और वहां से भारत के समुद्री मार्ग की तलाश भी वहां से की जा सकती है, इसलिए अपने हर साल दो या तीन अभियान भेजा करता था। तो चौथा पॉइंट नोट कर लेना, 1418 के बाद दोम हेनरी अफ्रीका के पश्चिमी तट की खोज के लिए हर साल दो या तीन जहाज भेजा करता था और भारत के समुद्री तट की तलाश के लिए भी, और भारत के समुद्र तट की तलाश के लिए भी। ठीक है, देखिए दोम हेनरी को आमतौर पर जो है नाविक हेनरी के नाम से भी जाना जाता है, नाविक हेनरी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने हर साल अपने जहाज भेजे थे भारत की खोज के लिए, इसलिए नाविक हेनरी के नाम से भी कहीं जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो जहाज भेजने के थे, इसके जहाज भेजने के दो उद्देश्य थे, दो उद्देश्य कौन कौन से थे वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, पहला उद्देश्य इसका ये था, चौथे का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे, पहला उद्देश्य था कि समृद्ध पूर्वी व्यापार से तुर्कों को और अपने यूरोपीय प्रतियोगियों को बाहर करना है, खास करके वेनिस वालों को यहां से बाहर करना है। ठीक है, पहला उद्देश्य इसका ये था जो दोम हेनरी का। सेकंड उद्देश्य इसका क्या था, चौथे का सेकंड सब पॉइंट, अफ्रीका और एशिया के हवशियों को ईसाइयत के दायरे में लाकर तुर्कों और अरबों की बढ़ती ताकत का सामना करना है।
ठीक है, यानी कि जो अफ्रीका तक हम पहुंच गए और एशिया तक हम पहुंच गए, तो वहां पर हबशी जो बोले जाते हैं यानी काले रंग के लोग हैं, उन्हें ईसाइयत के दायरे में लाएंगे और उनको दायरे में लाकर हम इस्लाम के जो समर्थक हैं तुर्क जो हैं, तुर्क और अरब हैं, उन्हें हम टक्कर दे पाएंगे। ऐसा इनका दो उद्देश्य थे, दो मेमरी के मुख्य रूप से। तो लिख लेना आप पहला सब पॉइंट और सेकेंड सब पॉइंट भी पूरा नोट कर लेना चौथे का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसी क्रम में धीरे धीरे करके जैसे जैसे 1418 में जो दो महीने स्टार्ट की थी यात्रा हर साल दो तीन अभियानों की, तो और शासक हुए पुर्तगाल के बाद में, इसी क्रम में पांचवा पॉइंट नोट करेंगे कि 1488 में आते आते बार्थोलोम्यू व्याज ने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया तथा यूरोप और भारत के बीच व्यापार संबंध का आधार डाल दिया। यानी इसी ने यहीं से पता लगाया कि यहीं से भारत का रास्ता जाता है, कितना ऐसे पता चल गया था बार्थोलोम्यू व्याज को, ठीक है। यानी कि वास्को डी गामा के आने से पहले 10 साल पहले, ठीक है। पांचवा पॉइंट यही नोट कर लेना, 1488 में बार्थोलोम्यू व्याज ने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया तथा यूरोप और भारत के बीच व्यापार संबंध का आधार डाल दिया। अब देखिए उस समय जो लंबी समुद्री यात्राएं थी उनका होने का रीजन क्या था, यानी कि लंबी समुद्री यात्राएं कैसे हो पाई, तो सबसे प्रमुख बात थी दो उपकरणों का विकास होना। एक तो कंपास था जिसका विकास चाइना वालों ने किया था, यानी कंपास का विकास चाइना ने किया था, और दूसरा था एस्ट्रोलैब, जो कि एस्ट्रोलैब जो था ये आपके जो पिंडों यानी जो पिंडों की ऊंचाई नापने का के लिए एक यंत्र था एस्ट्रोलैब, तो ये इसका आविष्कार यूनानियों ने किया था, यानी इसका एस्ट्रोलैब का आविष्कार जो था वो यूनानियों ने किया था, ठीक है। तो छठा पॉइंट नोट करेंगे आप, लंबी समुद्री यात्राएं, कंपास ब्रैकेट में चीन का आविष्कार और एस्ट्रोलैब ब्रैकेट में यूनानी आविष्कार के कारण इसका प्रयोग यात्रा के दौरान आकाशीय पिंडों की ऊंचाई जानने के लिए किया जाता था, ठीक है। यानी कैसे संभव हुई, ये ऐसे संभव हुई कि लंबी समुद्री यात्राएं कंपास और एस्ट्रोलैब के कारण संभव हुई यानी, ठीक है, लिख लेना आप छठा पॉइंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब वास्को डी गामा जो था, जब वो भारत पहुंचा था वास्को डी गामा, तो वहां पर इसका जो सामना था, वहां पर इसका एक अरब के 47 सौदागर थे, वहां पर उनका निवास स्थान था, उनसे सामना हुआ था। तो उन्होंने इसका एक पुरजोर विरोध किया, क्योंकि उस समय अरबों का वहां पर पूरा पूरा नियंत्रण था। जब उन्होंने देखा कि एक कोई अन्य देश का यहाँ पर नागरिक आके हमारे यहाँ जो है व्यापार करने आया है, तो उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया, ठीक है। तो यहां पे अगला पॉइंट नोट करेंगे आप इसी क्रम में, सातवां पॉइंट, वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा, तो वहां बसे अरब सौदागरों के 47 समूह ने उसका विरोध किया, अब सातवें का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे, पर एक हिंदू राजा जमोरिन, ये नाम पूछा जाता है जमोरिन का, ठीक है, जमोरिन का नाम पूछा जाता है, पर एक हिंदू राजा जमोरिन ने पुर्तगालियों का स्वागत किया तथा उन्हें काली मिर्च, जड़ी बूटियां आदि अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी। सातवें का सब पॉइंट यही है, पर एक हिंदू राजा जमोरिन ने पुर्तगालियों का स्वागत किया तथा उन्हें काली मिर्च, जड़ी बूटियां आदि अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी। अब देखिए इसी दौरान क्या था भाई, जो मिस्र वाले लोग, जो तुर्क लोग थे, तुर्क लोगों को भी इस चीज का आभास हो गया कि भाई इन लोगों का व्यापार जो है वहां तक पहुंच गया है, भारत तक की खोज कर ली है। तो मिस्र के जो सुल्तान थे, उसी क्रम में मिस्र के सुल्तानों ने भी चौकन्ना होकर एक दल भारत की ओर भेज दिया, ठीक है। तो आठवां पॉइंट नोट करेंगे आप कि पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति से चौकन्ना होकर मिस्र के सुल्तान ने एक बगेड़ा तैयार किया और उसे भारत की ओर भेजा, ठीक है। देखिए आरंभ में क्या था कि आरंभ में ये बेड़ा जो है लड़ाई में जीतता है इनसे, लेकिन इसके बाद 1509 में पुर्तगालियों ने इस संयुक्त बेड़े को मात दे दी है। आठवें का सब पॉइंट नोट कर लेना आप, आरंभ में इसे जीत मिली परंतु बाद में 1509 में पुर्तगालियों ने इस संयुक्त बेड़े को मात दे दी, ठीक है। ये आठवें का सब पॉइंट है। नवा पॉइंट नोट करेंगे, देखिए कुछ ही समय के बाद क्या होता है, यानी वास्को डी गामा आने के बाद कुछ ही समय के बाद क्या होता है कि अल्बुकर्क है, यानी अल्बुकर्क को पूर्व में पुर्तगाल अधिकृत क्षेत्रों का गवर्नर बनाया गया है। अल्बुकर्क को पूर्व में पुर्तगाल अधिकृत क्षेत्र जो है, पूर्व का मतलब पुर्तगाल का पूर्व भारत वाला हिस्सा होगा, ठीक है।
तो वहां का ऐसे गवर्नर बनाया गया अल्बुकर्क को। नवा पॉइंट नोट कर लेना, कुछ ही समय बाद अल्बुकर्क को पूर्व में पुर्तगाल अधिकृत क्षेत्रों का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नमे का सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट है देखिए, अल्बुकर्क ने क्या किया है कि 1510 में बीजापुर से गोवा को छीनकर अब अल्बुकर्क ने अपनी नई नीति का आरंभ किया। नमे का पहला सब पॉइंट यही है, 1510 ईस्वी में बीजापुर, यानी कि 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीनकर अब अल्बुकर्क ने अपनी नई नीति का आरंभ किया। सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे इसका, नमे का सेकंड सब पॉइंट, गोवा द्वीप एक उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह और किला था। यानी गोवा जो द्वीप बनाया था वो एक उस समय का उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह था और एक किला भी था, ऊंचाई वाले स्थान पर भी था। ठीक है, नमे का थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे, देखिए इसने आके वहां पर क्या किया, यानी अल्बुकर्क ने यहां पर इसने ये किया कि बीजापुर के इसने जो दंदा राजौरी थे, दोभाल जो बंदरगाह थे, दाभोल बंदरगाह थे, इनको नाकाबंदी करके तबाह किया और बीजापुर के समुद्री व्यापार को ठप्प कर दिया। ठीक है, तो नमे का थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे, उसने बीजापुर के दंदा राजौरी और दाभोल बंदरगाह की नाकाबंदी करके उनको तबाह किया और इस तरह बीजापुर के समुद्री व्यापार को ठप्प कर दिया, यानी अल्बुकर्क ने ठप्प कर दिया है। ठीक है, नमे का चौथा सब पॉइंट नोट करेंगे अब आप, देखिए अल्बुकर्क ने और क्या काम किया, अल्बुकर्क के टाइम पे क्या हुआ, गोवा को आधार बनाकर इसने पुर्तगालियों ने क्या किया है, कोलंबो, श्रीलंका, आचेन यानी सुमात्रा और मलक्का बंदरगाह पर किले बनाए और अपनी स्थिति को मजबूत किया। यानी गोवा तक किला बनाने का इनका ये एक सफल अभियान हुआ कि इसके बाद इनकी शक्ति अपने भारत में स्थापित हो गई। इसके बाद इन्होंने जो है कोलंबो में, आचेन में, सुमात्रा में और मलक्का बंदरगाह पर अपने किले स्थापित किए हैं। ठीक है, ये नमे का चौथा सब पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए इनका जो प्रसार था वो जो है गुजरात के तटीय क्षेत्रों तक भी हो रहा था प्रसार। तो उस समय गुजरात के सुल्तान ने एक अपना प्रतिनिधिमंडल है उस्लामी खलीफा के पास भेजा, यानी तुर्की एक खलीफा था उस्लामी खलीफा, उसके पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजा उसके लिए सहायता मांगने के लिए, कैसे भी करके पुर्तगालियों के प्रभाव को कम किया जाए। ठीक है, तो यहां पे अगला पॉइंट नोट करेंगे, दसवां पॉइंट, गुजरात के व्यापार और तटीय क्षेत्रों पर बढ़ते पुर्तगाली खतरे को देखकर गुजरात के सुल्तान ने उस्मानी खलीफा के पास, उस्मानी खलीफा से सहायता मांगी। इस तरह से लिख लेना आप, दसवां पॉइंट आपका यही है, गुजरात के व्यापार तटीय क्षेत्रों में बढ़ते उड़ते हुए पुर्तगाली खतरे को देखकर गुजरात के सुल्तान ने उस्मानी खलीफा से सहायता मांगी। दसवें का सब पॉइंट नोट करेंगे, पहला सब पॉइंट, देखिए 1529 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की मदद के लिए सुलेमान रईस की कमान में एक बड़ा बेड़ा भेजा गया। यानी कि इसने जैसे मांगी, और सहायता मांगने का मतलब ये ऐसा थोड़ी ना था कि उस समय सहायता मांगी तो भाई अगले दिन ही हाजिर हो गया या दो तीन दिन में हाजिर हो गया, यानी महीनों का समय लगता था, महीनों का, सालों का। ठीक है, तो दसवें का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे, गुजरात के व्यापार तटीय क्षेत्रों में बढ़ते, सॉरी दसवें का पहला सब पॉइंट ये है, 1529 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की मदद के लिए सुलेमान रईस की कमान में एक बड़ा बेड़ा भेजा। ठीक है, दसवें का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, देखिए बहादुर शाह ने क्या किया है, इनका खूब स्वागत किया है और इनमें से दो तुर्क अधिकारियों को भारतीय नाम देकर क्रम से सूरत और द्वीप का सूबेदार बना दिया है। दसवें का सेकंड सब पॉइंट यही है कि बहादुर शाह ने उनका खूब स्वागत किया तथा दो तुर्क अधिकारियों को भारतीय नाम देकर उन्हें क्रम से सूरत और द्वीप का सूबेदार बना दिया। ठीक है, दसवें का थर्ड सब पॉइंट, देखिए इन दोनों में जो है, इन दोनों जो दमन और सूरत और द्वीप वाले हिस्से में रूमी खान ने आगे चलकर उस्ताद तोपची के रूप में बहुत नाम कमाया, सूबेदार के रूप में उस्ताद तोपची के नाम से फेमस हुआ था रूमी खान। ठीक है, तो आप दसवें का थर्ड सब पॉइंट नोट कर लेना कि इन दोनों में रूमी खान ने आगे चलकर उस्ताद तोपची के रूप में नाम कमाया। अब देखिए क्या होता है कि 1531 में जो है, ये आपका कौन सा सब पॉइंट है, ये आपका चौथा सब पॉइंट होगा, दसवें का चौथा सब पॉइंट है दसवें का। देखिए यहां नोट करेंगे, 1531 में पुर्तगालियों ने दमन और द्वीप पर हमला किया, 1531 ने पुर्तगालियों ने दमन और द्वीप पर हमला किया, हमला कर रूमी खान के हमले को नाकाम बना दिया,
और रूमी खान के हमले को नाकाम बना दिया। ये दसवें का चौथा सब पॉइंट है, ठीक है। अब इधर से क्या था भाई, उधर से तो इनका हमला स्टार्ट हो गया। अब उसी समय पे जो है 1526 के आसपास हुआ, 1526 के बाद जो है किसका समय स्टार्ट हो जाता है, मुगल साम्राज्य का समय स्टार्ट हो जाता है। अब इधर तो उधर से दिक्कत है, पुर्तगालियों से दिक्कत थी गुजरात को, ऊपर से जो हुमायूं था हुमायूं ने गुजरात पर हमला कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जो गुजरात का राजा समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, उसने मजबूरी में क्या किया कि जो बेसिन द्वीप था इसी असमंजस में वो पुर्तगालियों को सौंप दिया, ताकि मुगलों के खिलाफ वहां पर एक प्रतिरक्षात्मक एक जो है सेना तैयार की जा सके, ठीक है। इस सैन्य सहायता पुर्तगालों से ही जल्दी मिल सकती थी, तो इस वजह से उसने मुगल बादशाह के विरुद्ध सहायता के लिए जो पुर्तगालियों को जो है बेसिन द्वीप जो है सौंप दिया है, ठीक है। तो यहां पे आप नोट करेंगे, आप 11वां पॉइंट नोट करेंगे, गुजरात तुर्क गठजोड़ मजबूत होने से पहले, गुजरात तुर्क के गठजोड़ मजबूत होने से पहले हुमायूं ने गुजरात पर हमला किया। 11वां पॉइंट यही है कि गुजरात तुर्क गठजोड़ मजबूत होने से पहले हुमायूं ने गुजरात पर हमला किया, ठीक है। 11वें का सब पॉइंट नोट करेंगे यहां पर आप कि बहादुर शाह ने बेसिन द्वीप पुर्तगालियों को दे दिया और मुगलों के खिलाफ प्रतिरक्षात्मक आक्रमक गठबंधन और मुगलों के खिलाफ प्रतिरक्षात्मक आक्रामक गठबंधन भी बना और पुर्तगालियों को द्वीप में किला बनाने की इजाजत दे दी गई, ठीक है। यानी किला देने का जो जगह देने का उद्देश्य यही था कि कैसे भी करके हम जो है मुगलों को रोक पाए, यानी गुजरात के शासक का एक ही मानना था, उसका मत था कि कैसे भी करके हमें मुगलों को रोकना है, तो इसके लिए इसने पुर्तगालियों से संधि कर ली है, पुर्तगालियों को अपना क्षेत्र दे दिया है ताकि मुगलों को रोका जा सके, ठीक है। अब देखिए ऐसे करके जो पुर्तगाली हैं इन्हें अपने यहां यानी कि पुर्तगालियों का ऐसे करके वहां पर अधिकार हो जाता है गुजरात में, ऐसे करके पुर्तगालियों के पांव पसर जाते हैं। देख कुछ समय बाद क्या होता है कि जो गुजरात का शासक है बहादुर शाह, उसे रिलाइज होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इन्हें वहां का अपना क्षेत्र देकर, लेकिन हो कुछ नहीं पाता है। उसके बाद फिर एक जगह वो फिर पहुंचता है यानी कि इस चीज को लेकर पुर्तगालियों से एक जगह बैठक भी करता है, उस बैठक में कुछ विद्रोह होता है जिसमें जो पुर्तगाली शासक कुछ पुर्तगाली जो सैनिक थे वो मारे भी जाते हैं, कुछ पुर्तगाली जो नेता होते हैं मारे जाते हैं, उसके बाद बहादुर शाह भी वहां पर मारा जाता है। यानी इस तरह का षड्यंत्र रचा जाता है, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या होता है, यानी यहां तक तो इन्हें गुजरात मिल गया पुर्तगालियों को, अब इसके बाद क्या होता है वो हम जानते हैं। देखिए अब 12वां पॉइंट नोट करेंगे, भारतीय समुद्रों में पुर्तगालियों के खिलाफ तुर्कों ने अपनी नौसैनिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन 1536 में किया, ठीक है। इस तरह से लिख लीजिए आप कि भारतीय समुद्रों में पुर्तगालियों के खिलाफ तुर्कों ने, इस तरह से लिखेंगे आप 12वां पॉइंट, भारतीय समुद्रों में पुर्तगालियों के खिलाफ तुर्कों ने अपनी सबसे बड़ी नौसेना 1536 में भेजी, सबसे बड़ी नौसेना 1536 में भेजी, इस तरह से लिख लेना आप। भारतीय समुद्रों में पुर्तगालियों के खिलाफ तुर्कों ने अपनी सबसे बड़ी नौसेना 1536 में भेजी, ठीक है। परंतु तुर्कों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन क्या हुआ कि तुर्कों को फिर से पीछे हटना पड़ा, यानी तुर्कों की फिर से पराजय होती है, तुर्कों को पीछे लौटना पड़ता है, परंतु तुर्कों को पीछे हटना पड़ा, ये 12वां पॉइंट ही है। ये भारतीय समुद्रों में पुर्तगालियों के खिलाफ तुर्कों ने अपनी सबसे बड़ी नौसेना 1536 में भेजी, परंतु तुर्कों को पीछे हटना पड़ा, ठीक है। इसके बाद एक आखिरी उस्मानी अभियान और होता है तुर्क शासकों का, ठीक है, ये होता है आपका 1554 में। तो आप 13वां पॉइंट नोट करेंगे, आखिरी उस्मानी अभियान 1554 में अली रईस के नेतृत्व में भेजा गया, आखिरी उस्मानी अभियान 1554 में अली रईस के नेतृत्व में भेजा गया। इन अभियानों की असफलता के बाद कारण अंततः तुर्कों का रवैया बदल गया, 13वां पॉइंट यही है कि इन अभियानों की असफलता के कारण एंड में तुर्कों की जो नीति है रवैया है वो चेंज हो जाता है।
13वें का सब पॉइंट नोट करेंगे। 13वें का पहला सब पॉइंट है, 1566 में पुर्तगालियों और उस्मानियों ने अरब सागर में न टकराकर मसालों और पूर्वी व्यापार में हिस्सेदारी का समझौता किया। 1566 में जाके इनके बीच समझौता हो जाता है पुर्तगालियों और उस्मानियों के बीच, अरब सागर में हम टकराएंगे नहीं बल्कि मसालों पूर्वी व्यापार में हिस्सेदारी का समझौता इन्होंने का हो गया है। ठीक है, तो 13वें का ये सब पॉइंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अंतिम हेडिंग बची है। अब देखिए भारतीय व्यापार पर और समाज पर और राजनीति पर पुर्तगालियों का क्या प्रभाव पड़ा, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी पुर्तगाली हमारे यहाँ इतने लंबे समय से आके बस गए हैं, लगभग 100 साल का समय हो गया उस समय के अकॉर्डिंग, ठीक है, मध्यकाल में। तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ा है, कुछ प्रभाव देखने को मिला, कुछ हमने उनसे सीखा है या नहीं सीखा है, तो ये हम जानेंगे। देखिए आरंभ में जो पुर्तगाली जो आए ये ढंग से ना तो हिंद महासागर को अपने अंडर में ले सके और ना ही ये जो है भाप के व्यापार और व्यापारियों को अपने अंडर में कर सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट करेंगे आप, आरंभ से ही पुर्तगाली ना तो हिंद महासागर के क्षेत्र को और ना ही वहां के व्यापार और व्यापारियों को नियंत्रित कर सके पहला पॉइंट यही है। ठीक है, पहले का सब पॉइंट देखिए, इन्होंने केवल कुछ वस्तुओं पर जो है, यानी उन्होंने केवल कुछ वस्तुओं पर अपना एकाधिकार, या इस तरह से कहेंगे उन्होंने केवल कुछ वस्तुओं पर एकाधिकार और कुछ पर कर वसूलने का प्रयास किया जैसे काली मिर्च, हथियारों, गोला बारूद और जंगी घोड़ों के व्यापार पर शाही एकाधिकार घोषित कर दिया गया। पहले का सब पॉइंट यही है, उन्होंने केवल कुछ वस्तुओं पर एकाधिकार और कुछ पर कर वसूलने का प्रयास किया, जैसे काली मिर्च, हथियार, गोला बारूद, जंगी घोड़े के व्यापार पर शाही एकाधिकार घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या करते थे, जब शाही एकाधिकार घोषित हो गया कि अब अन्य कोई जहाज जो इनकी सीमा में आता था तो ये उससे कर वसूलते थे। ठीक है, या फिर इन चीजों के अलावा और कोई जहाज कुछ और सामान लेके आता था और वो मना करता था कि भाई हम अपनी तलाशी नहीं देंगे, तो इसे लूट लेते थे या डुबो देते थे, यानी एक तरह से इनका इस तरह का अधिकार इन्होंने जमा लिया। ठीक है, ये अपने आप में भारतीय इतिहास में पहली घटना थी समुद्र के रास्ते में, यानी कि इस तरह की घटना पहले भारतीय शासकों ने इस तरह की जो नीति नहीं अपनाई थी जो समुद्री व्यापार के प्रति। ठीक है, ये सभी को आने दिया था, लेकिन पुर्तगालियों के टाइम में एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है यहां पर ये। अब देखिए इनके समय में क्या था कि जो कुछ एशियाई व्यापारी थे, ठीक है, यानी इनके समय में कुछ अधिक लाभदायक एशियाई व्यापारी थे, वो गुजराती और अरब व्यापारियों का वर्चस्व बना रहा, यानी यहां पर कुछ सबसे अधिक लाभदायक एशियाई व्यापार और गुजराती और अरब व्यापारियों का वर्चस्व बना रहा, जैसे भारतीय कपड़ों और साथ में चावल और शक्कर के व्यापार पर, जिनके बदले में बे दक्षिण पूर्व से मसाले, पश्चिम एशिया से सोना और घोड़े तथा चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के चीनी बर्तन लाते थे। यानी कि इनके आने के बाद कुछ सबसे अधिक लाभदायक एशियाई व्यापार में गुजराती और अरब व्यापारियों का वर्चस्व बना रहा है, जैसे क्या है, भारतीय कपड़ों और साथ में चावल और शक्कर के व्यापार पर, जिसके बदले में उन्हें दक्षिण पूर्व से मसाले मिलते थे, पश्चिम एशिया से सोना मिलता था और घोड़े तथा चीन से रेशम, चीनी मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तन वो लाते थे। तो सेकेंड पॉइंट नोट कर लेना पूरा। अब देखिए पुर्तगालियों की एक बड़ी समस्या ये थी कि पुर्तगाली किसी क्षेत्र को ढंग से डेवलप नहीं कर पाए। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या उनकी यही थी कि पुर्तगाल जो है अपनी ना तो अच्छी तरह से गोवा को भी विकसित कर पाए कि हम एशिया के व्यापार केंद्र के रूप में से उभार के लाते, और ना ही ये जो है जो उस समय गुजरात के खंबायत वगैरह के जो थे राज्य जो थे सूरत वगैरह, इनको पीछे छोड़ पाए। तो यहां थर्ड पॉइंट नोट करेंगे आप, ना ही पुर्तगाली गोवा को एशियाई व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित कर सके, यानी कि ना ही पुर्तगाली गोवा को एशियाई व्यापार के ऐसे प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित कर सके जो गुजरात में खंबायत को और आगे चलकर सूरत को पीछे छोड़ जाए। ठीक है, यानी कि इनका कोई ज्यादा केंद्रीय प्रशासन मजबूत वहां पे नहीं रह पाता है। थर्ड पॉइंट यही है। ठीक है, अब इसी में सब पॉइंट करके लिखेंगे थर्ड का सब पॉइंट, लेकिन उन्होंने मालाबार के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, लेकिन उन्होंने मालाबार और बंगाल के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। ठीक है, ये सब पॉइंट है थर्ड का। अब देखिए पुर्तगालियों के आने से क्या क्या हुआ भारत का, पुर्तगालियों से आने से भारत का जो जापान के साथ व्यापार है ये अवश्य आरंभ हो गया। ठीक है, जहां से इन्हें तांबा और चांदी प्राप्त होते थे,
चौथा पॉइंट यही है, पुर्तगालियों ने भारत का जापान जापान के साथ यानी जापान व्यापार आवास आरंभ किया, जहां से तांबा और चांदी प्राप्त होते थे। चौथे का सब पॉइंट नोट करेंगे, देखिए इन्होंने फिलीपीन या फिलीपींस से भारत का व्यापार भी शुरू किया और वहां से जो है पुर्तगाली भारतीय कपड़े लेकर दक्षिण अमेरिका जाते थे और वहां से बदले में चांदी लाते थे। यानी ये दो बड़ी उपलब्धियां हुई इनके टाइम में, एक तो जापान के साथ हमारे संबंध स्थापित हुए उस समय, ठीक है, और दूसरा फिलीपींस के साथ, फिलीपींस से लेकर कहां तक, दक्षिण अमेरिका तक। तो चौथे का सब पॉइंट यही है, उन्होंने फिलीपींस से भारत का व्यापार भी शुरू किया, फिलीपींस से पुर्तगाली भारतीय कपड़े लेकर दक्षिण अमेरिका जाते थे और वहां से बदले में चांदी लाते थे, ठीक है। अब देखिए पुनर्जागरण के काल में जब जो ये लोग आए थे भारत में, तो ये अपने साथ ऐसी कोई ना संस्कृति लेके आए, ना टेक्नोलॉजी लेके आए, यानी जिसके भारत में विकास हो सकता था, ऐसा कुछ भी लेके नहीं आए थे ये, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट नोट कर लेना आप, पुर्तगाल पुनर्जागरण काल के बाद यूरोप में विकसित विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भारत लाने के लिए पुर्तगाली एक माध्यम का काम भी नहीं कर सके, ठीक है, ये पांचवा पॉइंट है। अब देखिए पुर्तगाली प्रभाव के कारण भारत में क्या क्या असर पड़ा, पुर्तगाली प्रभाव के कारण जो हुआ छठा पॉइंट है, कारण भारत में यूरोपीय तर्ज में जहाज निर्माण, सुदृढ़ किस्म की तोपें और चश्मे जैसी वस्तुओं का प्रयोग शुरू हो गया। यानी पुर्तगाल के आने के बाद भारत में चश्मे का प्रयोग हो गया और यूरोपीय तर्ज पर जहाज वगैरह का निर्माण स्टार्ट हो गया, इसके अलावा सुदृढ़ किस्म की तोपें बनने लगी, ये यहां भी परिवर्तन जरूर आया, ठीक है। छठे का सब पॉइंट नोट करेंगे आप, पर पुस्तकों की छपाई, दीवार घड़ी जैसे पश्चिमी आविष्कारों का प्रसार नहीं हुआ, लेकिन पुस्तकों की छपाई है, दीवार घड़ी है, इन जैसे पश्चिमी आविष्कारों का प्रसार नहीं हो पाया है, ठीक है, ये छठे का सब पॉइंट है। तो देखिए ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए वीडियो काफी, यानी कि आपके चैप्टर जो है मध्यकालीन भारत वाले, ये बहुत बहुत लेंदी चैप्टर हैं। मेरी मजबूरी कभी कभी ये बन जाती है कि मैं एक दिन में चैप्टर पूरा लिख नहीं पाता हूं, इतना लेंदी लेंदी चैप्टर होते हैं, और आप लोग कोशिश यही करते हैं कि सर एक दिन में चैप्टर लेके आए, ठीक है, तो इस वजह से टाइम लगता है, आई होप आप लोग मैनेज कर लेंगे। देखिए फिर भी हमें ये मालूम है, हम सितंबर तक, सितंबर के एंड से पहले हम इस बुक को खत्म कर देंगे, ठीक है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने 9 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अब यहां पर आपके जो है लगभग आपके 12 चैप्टर और रह गए हैं, यानी 21 टोटल चैप्टर है इसमें, टोटल चैप्टर जो है 21 चैप्टर है यहां पर, 21 है इसमें, अब आपके 11 चैप्टर यानी 12 चैप्टर और रह गए हैं यहां पर। तो 12 चैप्टर का मतलब यह है कि 12 दिन में है या 12 से 13 दिन में हम समाप्त कर लेंगे, ठीक है, तो बने रहिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।